सिंधु मुहिजी अमा सूह तुहिजी मथा छा लिखी छा लिखा छा लिखी छा लिखा सिंधु मुहिजी अमा दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंधु मुहिजी अमा सूह तुहिजी मथा छा सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तसादियात तारीख कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती से प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ए हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सद दियूं था अचो त गजी सूफिन ए संतन वारी सिंध जो ओज एक मुठ थी वरी वापस आन वाले सफर जा साथारी बन जाऊं एक नए सुबह की शुरुआत जो पड़ा दो घर घर गोठ गोठ शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद खुशहाल थिए सिंधी मानू सुख्यो सतावो थिए सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां आउं आहियां अवां जो मेज़बान जाफ़र मेमण हिन वक़्तु आउं मौजूदु आहियां सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ में जिते कामरेड सोबो ज्ञानचंदाणीअ खे भेटा पेश कई पई वञे अंजुमन तरक़ी पसंद मुसनफ़िन हैदराबाद जे तरफ़ां थियल हिन प्रोग्राम में आउं ॾिसां पियो त कामरेडनि जो वॾो तइदादु हिते मौजूदु आहे ऐं हिन वक़्तु प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे तंहिं करे असां चाहींदासीं त हिन प्रोग्राम में कामरेड सोभो जेको नंढे खंड जो वॾो माण्हू हो उन प्रोग्राम में कामरेड जी शख़्सियत जे हवाले सां जेके वीचार ईंदा उहे अव्हां जी समातुनि ताईं रखूं जेका रिज़ल्ट मिलणु घुरिजे असांखे सियासत में ऐं समाज में जेके तब्दीलियूं अचणु घुरिजनि उहे न अची सघियूं उनजो सिंध में जेको आम तौर ते वॾे में वॾो नुक़सानु इहो थियो त जॾहिं रूस डठो तरक़ी पसंद सियासत डठी त छाकाणि त असांजी पंहिंजी कुनी चाढ़ियल हुई कोन असांजी पंहिंजी देगड़ी चाढ़ियल हुई कोन जंहिंजे करे जॾहिं रूस वारनि जा पेर डठा त असां ख़ुदि बि हिते मायूस थी वियासीं ऐं असांखे को रस्तो न मिलियो त असां छा करियूं पोइ छा थियो त सिंध जो हूअं त पाकिस्तान जो पर आउं सिंध जे फ्रेमवर्क में थो ॻाल्हायां त सिंध जो जेको बि तरक़ी पसंद लॾो जेको DSF सां हो NSF सां हो ॿियनि तरक़ी पसंद CP सां हो ॿियनि कम्युनिस्ट पार्टी जे ॿियनि ज़ेली फ्रंटनि सां हो या ॿियूं जेके तरक़ी पसंद पार्टियूं हुयूं त हू लावारस थी विया लावारस थियण खां छाकाणि त हुननि वटि का नुमाइंदगी जी शइ कोन हुई नतीजो छा थियो त उहो सुठो जेको सिंध जो क्रीम जेको वॾे पोरे सां जेको मारूं खाई अज़ियतूं जेल ऐं अज़ाब भोगे ॿाहिरि निकितो नगस हुअण सबबु उहो या त सहाफ़त में विकामजी वियो या NGOs में विकामी वियो जेकॾहिं असांजे पुराणनि कामरेडनि खे ॾिसो त इंताई रहम थो अचे उन्हनि जे हशर ते जेके उन्हनि जा उते धंधा आहिनि उहे ॾिसी कम अज़ कम आऊं सूबे जहिड़नि माण्हुनि खे सलाम ॾींदो आहियां त हिननि माण्हुनि खे वरी बि शाबस हुजे पंहिंजी तौर जी उमिरि ताईं विड़िया पंहिंजी जाइ ते ऐं जेकॾहिं विड़ी न सघिया त कम अज़ कम इन किनी झंड में हुननि पंहिंजा पेर ख़राबु न कया इहो सूबे जो वॾो किरदारु आहे छाकाणि त सियासत में सुठियूं ॻाल्हियूं हाणे त नेट जो दौरु आहे जदीद दौरु आहे असां तव्हांखे सभिनी खे ख़बर आहे आऊं कहिड़ियूं वेही तव्हांखे सियासत ते वेही तज़िया ॿुधाईंदसि ऐं उनजी एनालिसिस कंदसि उन जे एनालिसिस जी हाणे ज़रूरत न आहे हर माण्हू ताईं उहे शयूं पहुची चुकियूं आहिनि पर बुनियादी जेका ॻाल्हि इहा आहे त जेसि ताईं सियासत में कैरेक्टर इन नथो थिए जेसि ताईं किरदारु इन नथो थिए दाख़िल नथो थिए
तेस ताईं अवांजो खोर चङियूं ॻाल्हियूं हुजनि उनजा नतीजा न निकिरंदा। गांधी जी बुनियाद परस्ती सियासत ते 100 दफ़ा तनक़ीद कंदासीं पर गांधी जे किरदार ते आङर नथी खजे। सूबे जी सियासत ते असां 1000 दफ़ा ॻाल्हाईंदासीं त कामरेड सूबे जी सियासत जी जेतिरी महिनत आहे उहा फ्रूटफुल नतीजा न ॾेई सघी, पर ही शख़्स तौर ताईं हिन धरती जो थी रहियो, धरती जे लाइ रहियो ऐं धरती लाइ विढ़ंदो रहियो ऐं धरती जे ईमान में कॾहिं बि हिन पंहिंजी ज़ाती मिल्कियत, ज़ाती गर्ज़नि ऐं ज़ाती मफ़ादनि खे न आंदो, तॾहिं ई माण्हू अज़ीम आहे। पर बदक़िस्मती आहे, चिठी पहुती चुकी आहे, ऐं आख़िरी ॻाल्हि कंदो हलां त असां वटि चङनि माण्हुनि जो क़दुरु कोन्हे। खुशवंत सिंह खां हिकिड़े दफ़े कंहिं पुछियो त तुंहिंजी ज़िंदगी जी का बदनसीबी, चई बसि मुंहिंजी ज़िंदगी जी बि का बदनसीबी कोन्हे, ऐं हिंदुस्तान जहिड़े वाहियात मुल्क में पैदा थियो आहियां। सो सूबो सूबे जी का बि बदनसीबी न आहे। सूबो वॾो दानिश्वर अज़ीम इंसान हो, पढ़ियो गढ़ियो माण्हू हो, हुन क़ौम खे टाइम ॾिनो, क़ौम खे वक़्तु ॾिनो, पर अफ़सोस जो असीं बेहस थी चुका आहियूं। जेको हीउ पिंडाल ई ॿुधाए थो त असीं जेके जेतिरो तइदादु वेठो आहे त असां केतिरा बादशाहूर आहियूं। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। मोहतरमा कल्पना देवी साहिबा, जिन खे थोरी जल्दी आहे, कंहिं ज़रूरी कम सां वञिणो आहे, खेन गुज़ारिश आहे त अचनि पंहिंजे ख़्यालनि जो ज़ाहिरु कनि। मोहतरमा कल्पना देवी। हौसलो सर्द थी पियो आहे, हौसलो सर्द थी पियो आहे, जुदा हिकु फ़र्द थी पियो आहे। जॾहिं खां तूं मुंहुं मोड़ियो आहे साईं, दर्द खे बि त ॼण दर्द थी पियो आहे। तव्हां सभिनी जेका भेटा बाबा खे ॾिनी, छो त असांजे घर में बाबा खे भाऊ चवंदा, बाबा जो रिवाज मूं अची वेंदो, त मां बाबा जे हवाले सां ई बाबा करे ई कॉल कंदमि। इन में को शक न आहे त हू सिंध जो अज़ीम ॾाहो, सिंध जो वफ़ादार सपूत, जंहिं आख़िर ताणी एतिरो कुझु ॿियनि मुल्कनि मां मिलण जे बावजूदि ठुकराए आख़िर ताणी पंहिंजे धरतीअ सां हुन नीह जो नातो जोड़ियो ऐं इन धरतीअ में ई पंहिंजी वञणु पसंदि कयो। हुन जी रख सिंधुअ में मिली ऐं जीअं तव्हां उमेद ॾेखारी आहे त हिन सिंधु धरतीअ जी कुख ॾाढी ज़रखेज़ आहे। उमेद आहे त को सोभो वरी पैदा थींदो, को होशू वरी पैदा थींदो, को दोदो वरी पैदा थींदो। इन उमेद सां ई मां हीअ ॿ टे ॻाल्हियूं ज़रूरु कंदमि, छो त बाबा सां, बाबा मुंहिंजी सहेली बि हुयो, उन सां मुंहिंजा झेड़ा बि थींदा, इख़्तिलाफ़ बि थींदा, पर मुंहिंजी सहेली बि हुयो, मुंहिंजो पीउ बि हुयो। ऐं हिकु दफ़ो जॾहिं राखीअ जो ॾींहुं आयो त मां बि ॾाढी उदास वेठी हुयमि, जो मां बि कंहिंखे राखी न ॿधी, त मां बाबा खे वञी राखी ॿधी। मां चयो अॼु खां पोइ नुंहुं ऐं सहुरे वारे रिश्ते सां गॾु भाउ भेण बि थी वियासीं, ऐं राखी मां बाबा खे ॿधी त मुंहिंजो भाउ बि थी वियो। इन में को शक न आहे त जंहिं नमूने सां बाबा जी सालगिरह गुज़री, उहा सालगिरह न हुई, असांजी दिलनि ते छुरियूं हुयूं। बाबा जी जीअं हाणे वरसी गुज़री, सॼी सिंध जंहिं सिंध लाइ हुन पाण पतोड़ियो, शायदि हलियो वञे आ त किथे न किथे हुन जा बंगला माड़ियूं ठही वञनि आ, इन में को शक न आहे त उन जे नाले में उनखे सीढ़ी बणाए माण्हुनि बंगला ठाहिया, किन नौकरियूं वरितियूं, जीअं चवंदा आहिनि के हेल विकाणा के पर विकाणा, जेके कीन विकाणा से ई माण्हू मोतीअ दाणा। इन में को शक न आहे, मां उन्हनि खे बि ॾोरापो न ॾींदमि, उन्हनि जो नसीबु कामरेड सूबे सां शायदि लिखियलु हुयो। पर मां तव्हां खां हिकिड़ो सवाल ज़रूरु कंदमि, भेटा ज़रूरु ॾियो, अॼु बि ॿिनि सालनि खां पोइ राहत साहब में इहे दूसरी दफ़ा चीज़ मां तव्हांखे ॾोरापो थी ॾियां। बाबा जूं अस्थियूं अञा लाड़काणे जे शिवाले में पयूं आहिनि, छो त मां सिंध गवर्नमेंट खे जेतिरो मां चई चुकी आहियां ऐं जेतिरो मां लिखी चुकी आहियां, हाणे मुंहिंजी हिमत जवाबु ॾेई वई। ऐं मां लास्ट टाइम बि इहा शइ अनाउंस कई, छो त जॾहिं बाबा जी डेथ थी, इन में को शक न आहे त मीडिया वारनि खे ॾेखारण लाइ असां वटि सभु आया,
बाबा जडे जडे बीमार थो जडे भी कैमराऊँ आयु उन विणा भी लगंदा हुआ उन को पुट थी वो को धीए थी वो कुछ भी थी हो उन भी गिला ना है। पर कम से कम इन दाहे जी भेटा दियण का पैरियां तो सिर्फ यो सवाल कयो इन पंडाल मां एकड़ो रेजोल्यूशन पास कयो त छा जे सिंध सिंध कंदे पांजी हयाती विनाई अज उन सिंध जे अंदर उन जे लाए एकड़ी नंढड़ी जगह टुकड़ी ना है जिते असा बाबा जी अस्थियों समाधि लाए रखी सकूं। मुझो सवाल आ तहां खां ऐं मुंहिंजो मुंहिंजो सिर्फ़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध खां न आहे मुंहिंजो तव्हां खां बि आहे साजा वंधन खां आहे सिंध वासियुनि खे मां ॾोरापो बि ॾींदुमि छो त जॾहिं बाबा जी डेथ थी त अगरि असां धर्म ते हलूं धर्म ते हुन शख़्स वटि इंसानियत जी ॻाल्हि हुई धर्म साइड ते हुया हुन वटि धर्मनि खां वधीक इंसान ज़ात हुई उते असां इहो ई सोचियोसीं छो त जंहिं महिल उते हर कोई आयो जोश में वॾा ऐलान करे वियो ॿिनि सालनि में हिकिड़ो हुनजो सो कॉल्ड पुटु आहे मां हुनजो नालो नथी खणा जो अॼुकल्ह मां बि सरकारी नौकिरीअ में आहे त वरी मूंखे बि न विहारे छॾनि उअं ई असां हज़म घटि था थियूं त उहो जेको सो कॉल्ड पुटु हुयो जॾहिं उहो कुझु बि न हुयो त उहो असांजे ड्राइंग रूम में खाईंदो बि हुयो पीअंदो बि हुयो अॼु जॾहिं उहो कुझु थी वियो आहे जॾहिं मां हुनखे चयो वञी अदा त हीअ शइ तव्हां कमिट करे विया हुयो अॼु छा तव्हांजी गवर्नमेंट वटि इहा शइ कोन्हे त ही हालत आहे असां भेटाऊं बि ॾियूं भले वर्सियूं बि कयूंसि असां कुझु बि कयूं जॾहिं तव्हां वटि उहे माण्हू ई न हूंदा उन्हनि जो को ना निशान न हूंदो त तव्हां छा कंदव तव्हां पंहिंजे बचनि खे छा वञी ॿुधाईंदव हा हिकिड़ो सोभो हुयो जेको मरी ख़तमु थी वियो हा सिंध जो आशिक़ु हुयो जेको ख़तमु थी वियो असां पंहिंजे बचनि खे इहो ॿुधाईंदासीं असां वटि कुझु बि उनजे नाले ते न हूंदो उन जे नाले में का बि अहिड़ी जॻह न हूंदी जिते वञी करे हू ॿार हुन जी हिस्ट्री सम्झी सघनि हुन जे नाले खे सम्झी सघनि ऐं हुन जी जिदोजहद खे सम्झी सघनि। मुंहिंजो इहो हिकिड़ी वेनती बि आहे इल्तिजा बि आहे ऐं ॿी ॻाल्हि मुंहिंजी बार बार इहा कटिजी बि वञे थी त जॾहिं असांखे पंहिंजी कम्यूनिटी इहो चयो ऐं मां हुन वक़्तु पहिरीं इलेक्टेड चेयरपर्सन हुयसि मां अगरि चाहियां त शिवालय में बि बाबा जी समाधि ठाहे सघियमि पए मां अगरि चाहियां हा त मसाणा जेके ग्रेवियार्ड्स हूंदा आहिनि जंहिंखे तव्हां कब्रिस्तान चओ उते बि ठाहे सघियमि पए पर इन करे उहो न कयो त जेकॾहिं बाबा खे असां इन जॻह ते रखियोसीं त बाबा वाणियो थी वेंदो जे सॼी उमिरि इन शइ खां ॿाहिरि निकिरी जदोजहद कई हू सिंधी हुयो हू सिंध ॼाओ हुयो जंहिंखे कॾहिं को सोभो ज्ञानचंदाणी चवंदो त कॾहिं उनखे सोभो ख़ान चवंदा हुया त हुनखे मां हिकिड़ी हंधि कन्फाइंड करण न पिए चाहियो अॼु लाड़काणे जे शहर में असांखे उहे जायूं नॉमिनेट थियल हुयूं त हीअ फलाणी जॻह आहे पर अॼु उहा जॻह असांजे लाइ नथी थिए छो त कुझु सेठिया जिन जी के लैंड ग्रेबर उहे जॻहियूं नथा छॾणु चाहिनि ऐं मुंहिंजी गवर्नमेंट उन्हनि जे अॻियां मजबूर आहे पर तव्हांजो आवाज़ हिन फोरम जो आवाज़ ॾाढो सघारो आहे बाबा इनसाइक्लोपीडिया हुयो जॾहिं बि मुंझंदा हुआसीं मुंहिंजा ॿार हुजनि असां हुजऊं पर असांजी पूरी फैमिली बाबा हे फलाणी शइ असांखे पुछणी आहे बाबा असांखे उहो कबट बि ॿुधाईंदो उहो किताब जो नंबर बि ॿुधाईंदो अॼु उहा इनसाइक्लोपीडिया हिकिड़े नंढिड़े उन में पई आहे ऐं उनजे लाइ असां वाका था कंदा वतूं उनजी वर्सीअ ते या हुन जी सालगिरह ते त हुन शख़्स खे का हिकिड़ी नंढड़ी जॻह ॾियो ताकि असांजी नई नसल खे ख़बर पए। मां हाणे सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में वियसि त उते मां कुझु शयूं ॿुधायूं जिते असांजा मौलवी साहिबान हुया जॾहिं हुननि असांखे ॿुधो त असांजो मुंहिंजो घराणो उहो आहे ऐं इहा शइ बाबा वटि त असां ॾिठीसीं ॾिठीसीं पर असांखे पंहिंजे पीउ माउ बि ॾिनी त असां हिन सूफ़ियुनि जे धरतीअ जा बच्चा आहियूं असां दस्तगीर बादशाह पीर खे बि मञण वारा आहियूं असां भिटाई घोट खे बि मञण वारा आहियूं त असां हिन धरतीअ जा असली वारिस बि आहियूं चयो बि वञे थो अॼु हुन धरतीअ जो असली वारिस तव्हां खां सवाल थो करे उन जा कर्ज़ी आहियूं असां तव्हां बि कर्ज़ी आहियो असां बि कर्ज़ी आहियूं मां त नथी करे सघां उहो इन करे त जेकॾहिं मां हुनखे
मसाणन में रखंदम या गऊशाला में रखंदम तो तवा कदें न कदें असा डोरापो जरूर दींद पर अज मां तहांखे बुधाए वञां थी पई तो शायद अगर का जदोजहद न हली तो इं थींदो छो तो धर्म के अनुसार असांजे एतरा साल असा नथा रखी सघूं या तवा सभिनी जे लाइ अलार्मिंग सिचुएशन हूंदव तो सोभो के शिवालय में हूंदो या सोभो के मसाणन में हूंदो। अचां थी बाबा जे किरदार ते जी मूं चयो त असांजी कम्युनिटीअ में सोहरो सोहरो हूंदो आहे पर हिन शख़्स खे कॾहिं सोहरे जे रूप में न ॾिठोसीं। असांखे कॾहिं बि का पाबंदी न हूंदी त तव्हां रओ पायो थियूं नथियूं पायो अञा कंहिं महिल कंहिं महिल ससु चिड़ में चवंदियूं त सॼो ॾींहुं चोटा कढी सोहरनि जे अॻियां वेठियूं आहियो। मां मज़ाक में चवंदीमांसि त मुंहिंजो तव्हां इन करे थी मुंहुं ढकियो जो तव्हां मुंहुं ॾेखारण वारियूं न आहियो। असां सुहिणियूं सेबतियूं नुहार आहियूं सो छो न असां जेका पंहिंजे सोहरनि सां चोटनि ते चोटा कढी वेही रहूं। बाबा बहराल हिकिड़ी वॾी शख़्सियत हुयो। हुनजो रहणु कहणु ॾाढो सादो, हिकिड़ी नंढी मंझीअ ते सुम्हण वारो माण्हू, एसी कॾहिं न यूज़ कयईं, मट जो पाणी पीअण वारो माण्हू, ऐं हुनजी थिंकिंग जेका हुई, हुनजी थिंकिंग पूरी सिंध हुई, हुनजो इश्क सॼी सिंध हुई। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त असां पंहिंजे हीरोज़ खे ईअं ई विञाईंदा आहियूं, कॾहिं इलेक्शनियूं हाराए करे, कॾहिं पैसे जे ज़ोर ते। मूंखे सेनेट जी सीट मिली, मूंखे जेसोणी सेनेट जी सीट मिले मिले तेसोणी बाबा जो जेको आहे फाइलनि जो उठ गाॾे ते चढ़ी वियो सॼो प्रोफार्मा बाबा जो, ऐं उहा मुंहिंजी सीट ख़तमु थी वई। पर मूंखे इन शइ जो ॾुखु नाहे, असां स्ट्रगल कंदड़ माण्हू आहियूं ऐं स्ट्रगल कंदा रहंदासीं। पर हा, बाबा आख़िर ताणी हुनजी ख़्वाहिश हुई, जॾहिं क़बाइली जहिड़ा थींदा हुआ त बाबा जी इहा ख़्वाहिश हुई। जॾहिं असां वटि शहीद बशीर ख़ान कुरेशी साहिबु आयो त हुनखे चयईं, बशीर तूं ऐं मां निकिरंदासीं हिन क़बाइली जहिड़नि में, सिंधु असांजी धार थी थिए, असांजा बच्चा कुसजनि था, तूं ऐं मां निकिरंदासीं वरी असां गॾु थियूं वरी सिंधु खे हिकु कयूं। इहो बाबा जो मिशन हुयो आख़िर जो, जे हलाइणो अथव त हिन मिशन खे हलायो, उन्हनि जे ख़्यालनि खे हलायूं। त मुंहिंजे ख़्याल में सोभो कॾहिं मरणो न आहे, साईं जीम सैयद कॾहिं मरणो न आहे, होशियू हेमू ई असांजा हीरोज़ आहिनि। ऐं मां सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस जी ॻाल्हि कई, उते मां सजेशन ॾेई आयमि त भाई तव्हां पैगंबरनि जूं ॻाल्हियूं था कयो, असांखे उन्हनि ते यकीन आहे छो त असां पाण यारियूं भरींदड़ आहियूं, असां पाण मुहरम जो जेका न्यास कंदड़ आहियूं, असां पाण रोज़ा रखंदड़ आहियूं, असां में उहा डिस्क्रिमिनेशन न आहे। त छो न उन पैगंबरनि सां गॾोगॾु जेके असांजे धरतीअ जा हीरोज़ आहिनि उन्हनि खे तव्हां सिलेबस में शामिलु कयो, ताकी माण्हुनि खे ख़बर पए त हैदर बख्शजतोई केरु हुयो, होशियू केरु हुयो, सोभो केरु हुयो, साईं जीएम सैयद केरु हुयो। कम से कम जेकॾहिं जदोजहद करणी आहे त असांखे इत करणी आहे, तॾहिं ई असां इन्हनि पंहिंजे हीरोज़ खे जीआरे सघंदासीं। जीअं साईंअ चयो त वठी हर हर जनम ईबो अबा महिराण में मिलबो, हे महिराण जा आशिक़ अथव, हिननि जे जंहिंजे भेटा लाइ वेठा आहियूं इहे आशिक़ जीअड़ा हुया ऐं इश्क में मरी विया। पर हू सिर्फ़ु मरी विया आहिनि, हू सिर्फ़ु जिस्मानी तौर ते असां खां जुदा थी विया आहिनि, हुननि जो खोड़ कुझु असांजे विच में आहे। असां उन्हनि जी औलाद, तव्हां उन्हनि जी औलाद, हुनजी नज़र में सॼी सिंध, ही सॼी धरती हुनजी औलाद हुई। त असां मां हिकु हिकु बि हुनजो वचन खणी निकिरे त कामरेड सोभो ज़िंदा आहे, हू वियो न आहे। महिरबानी, मां तव्हांजो टाइम घणो वरितो। महिरबानी मोहतरमा कल्पना देवी साहिबा। मूंसे ॾिठा माउ जॾहिं ॾिठो पीउ खे, तिनी संदी का करे न सघां ॻाल्हि। हिन खां पोइ आऊं तकरीर लाइ गुज़ारिश कंदुसि सिंध यूनाइटेड पार्टी जे मर्कज़ी अॻवान मोहतरम डॉक्टर दोदो मेहरी साहिब खे वचन ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। डॉक्टर दोदो मेहरी, सिंध तमामु वॾे माण्हू जे यादि कयूं पिया, असां हूअं त ॿुधंदा आहियूं पर हे वाकई वॾा माण्हू हुआ, जिन पंहिंजे सोचनि जा, छाकाणि हिकिड़ा माण्हू एम पी ए थी वेंदा आहिनि, भई एम एन ए थी वेंदा आहिनि, सेनेटर थी वेंदा आहिनि ऐं गुम थी वेंदा आहिनि। इहो तारीख़ भरी पिया, वरी ॿिया आया विया, कई मूं जहिड़ा अहिड़ा थी वेंदा आहिनि, पर पंहिंजे सोचनि जा, पंहिंजे फ़िक्र जा,
जेके पंहिंजे नक्श छॾींदा, पंहिंजो धाराऊं छॾींदा, ज़हन मिटाईंदा, ज़हन ठाहींदा, उहे माण्हू तमामु वॾी ॻाल्हि हूंदा। उन में साईं जी एम सर सोबो हैदराबाद जतो ई ॿिया इलाही, पर हे माण्हू तमामु वॾा हुआ। सोबे सां ही वॾो हादसो थियो, असां सभु सिंधी माण्हू सां इहो हादसो थियो, त जॾहिं हे माण्हू रोल करण जे हिकिड़े माना ज़िंदगी फू जवानी में हुआ या मेच्योर ज़िंदगी में दाख़िलु थिया, तॾहिं मुतद हिंदुस्तान टुटी चुको, सफ़र ई नओं शुरू थियो। पोइ त जहिड़ा का पंहिंजे वतन में क़ैदी हुआ, या क़ैद क़बूल कनि, पंहिंजे धरतीअ सां पंहिंजे रिश्ते खे क़बूल कनि, पंहिंजूं ईअं हॾियूं वक़्तु इंतज़ार करे सिंधूअ में लोड़न लाल जो इंतज़ार कनि, या सिंध मां ईअं अॻु वञी अॻवाणी थी वञनि, सॼे हिंदुस्तान जी वञी अॻवाणी कनि। इन पाए जा माण्हू हुआ, पर हुननि हिते रहणु कयो। पोइ जे अधे ॻाल्हि कई या कंहिं ॻाल्हि कई इलेक्शन में, कामरेड साहिबु इलेक्शन खटी चुको, सभिनी ख़बर आहे इलेक्शन जो नतीजो रोकियो पियो, पियो रोकियो जेसीं वञी हारायूं, तेसीं नतीजो न आयो जेसीं हारायूं, पे ॻणियूं अञा खुटी पियासीं, अञा पे ॻणियूं सभु हारायो, इलेक्शन नतीजो अची विया, माना हुनखे रोल अदा करणु ॾिनो ई कोन वियो। बहरहाल हिननि माण्हुनि असांजे जदीद फ़िक्र खे, हे मार्क्सिज़्म जा हामी हुआ, इलाही दोस्त सां पुछंदा आहिनि, असीं थोरो घणो अहमदाबाद साहिब वटि असीं जदीरात सिखियासीं, असीं तारीख़ी मादियत खां वाक़ुफ़ु थियासीं, असीं बोजवाज़ी खां वाक़ुफ़ु थियासीं, असीं सोशलिज़म खां वाक़ुफ़ु थियासीं, असीं इहे सभु जेके ना इल्म हुआ उन्हनि में घड़नि जी कोशिशि कईसीं, पर असांजी हीअ सरज़मीन जेका पाकिस्तान जेको ठहियो, उहे शयूं जहिड़ियूं कर कुफर जे सूरत में थियूं, पर पोइ बि पंहिंजे उन सां वफ़ादार रहिया, उनखे ईअं करणो हो। पोइ डेग सफ़र थी, शायदि असांजे रशिया जे वॾी क़यादत न सोचियो हुजे, या उहो त संदुनि जेको तौरु तरीक़ो हो उहो यूरोप सां अमरीका सां मुक़ाबिलो न पिए करे सघियो ऐं खुटी पियो ढही पिया। पर हाणे रशिया जेको शुरू थियो आहे, मूं कल्पना खे ॿुध पुछो ॿुधाएमेसि, सुवाल पुछमेसि, मुंहिंजो रशिया जी आदमशुमारी 80 में माना 90 में जॾहिं टुटी वियो आहे, 90 में चऊं, तॾहिं हुई 15 करोड़, हाणे घणी हूंदी? यकीन जवाबु ॿीण टीण ते कुझु त मथे हूंदो न, यकीन 1 करोड़ घटी आहे। 1 करोड़ माना सम्झो था, केतिरी ऑक्सीजन बची पई, केतिरो खाधो बची पियो, केतिरा रोड रस्ता आज़ादु थी पिया, केतिरियूं घर खुलासा थी पिया, केतिरी ज़िंदगी आजी थी पई। हिकिड़ो पासो इहो पियो चाचे हफ़ीज़ खे किताबु ॾियणु वियुसि, पिया के उहे पढ़ी वरी मूंखे ॿुधाए, चई बाबा रशिया सोशलिज़म जे कम्युनिज़म जे खोल मां निकिरी चुको आहे, हाणे नई ज़िंदगीअ में दाख़िलु आहे। जीअं हिनखे दसियो अथनि, ईंदड़ 50 सालनि उन दुनिया खे जीअं रशिया दसींदो, उहा दुनिया ॾिसंदी, छाकाणि हे क़ौमूं दस ॼण जो आहिनि ई कोन, सिर्फ़ु हुन कहिड़े रस्ते ते वञी विया जंहिंजा नतीजा उन्हनि वटि ग़लति आया। हाणे वरी हुन सफ़र नओं सफ़र शुरू कयो आहे, अॼु रशिया थोरे वक़्त में तव्हां अची वियो, पंहिंजे सरहदनि तां फायर कया अथसि, कुझु बि हुजे अलाए किथे वञी किरिया, हीअ माना पंहिंजी नई रिवाइव कयो अथसि पंहिंजे दुनिया में रोल जो। पर हे माण्हू असांजा सोबो साहिबु ज़रूरी तव्हांजा जे ख़्वाबनि पूरा थींदा आहिनि, मज़हबी माल तारीख़ तां भरियो पए भरी पई आहे, असांजा 100 साल 2-2 साल सॼी यूरोप जा महमार हुन जूं पोइ हॾियूं कढी पए ऐं उन्हनि जूं यादगार ठाहिया विया। तव्हांजे असीं त अहिड़े दौर मां पिया गुज़रूं, इहा त सूबेदारनि खे शाबाश आहे जो हिते रहिया, ऐं इहो असांजे लाइ हिकिड़ो वॾो चैलेंज छॾे विया। ज़रूरु हुनखे जवाबु असां ॾियणो पवंदो, असांजे समाज खे ॾियणो पवंदो, सियासी कारकुन ॾियणो पवंदो, हुकमरान ॾींदा असांखे ॾियणो पवंदो, पोइ तव्हांजे अक़ीदे मुजाबु ॾेई सघूं था या पंहिंजे शौर मुताबिक़, इहो त पंहिंजो शौर फ़ैसिलो कंदो थींदो ज़रूरु। तंहिंजे करे इन बुज़ुर्गनि जा असां ते तमामु अन जा वॾा नक्श चटियल आहिनि, उनजो फ़िक्र, उनजो इल्मु पोरियो, उनजो सियासी पोरियो, उनजो कद काठ रिवायतूं इख़लाक वाबस्तगियूं, उन जूं दोस्तियूं बावजूदु इख़्तिलाफ़नि जे, साईं जीअं जुदा धारा जो माण्हू हो,
हीअ जुदा बीठा पर कीअं हिकु ॿिए लाइ पाण इंगेजमेंट कई अथनि, कीअं पंहिंजी कैपेसिटी कढनि, कीअं गॾिजी कनि पिया, हारी कमेटी गॾु पिया कनि त कम्युनिस्ट पार्टी जुदा बीठा आहिनि, ॿिए हंधि गॾनि त वरी जुदा बीठा आहिनि वरी गॾनि, पर को बि हिन माण्हू जो इख़्तिलाफ़ु को बि हिन माण्हू जो अहिड़ो फॾो जंहिंमें असांजो समाज मुतासिर थिए, असीं कीअं ऐं नज़रियाती कीअं अक़ीदे मलिया आहियूं हिननि माण्हुनि घटि मटि असांजे ज़हननि ते जेके असीं उनखे उहो असां महसूसु न कयो। हींअर हिकु नई दुनिया बदिलजे पई, नई आलमगीरियत अचे पई, हीअं नई आलमगीरियत बरतानिया आंदी पोइ अमरीका आंदी, हीअ त जल्द वरी नई दुनिया बदिलजे पियो आहे चाइना जे नाले में। असीं सी पैक जे मामले में मुंझी पिया आहियूं, सी पैक पाकिस्तान ऐं चीन जे मामले विच मुआदो आहे, बसि हिन ते सी पैक इहो ई न अहिड़ियूं राहदारियूं 8-10 राहदियूं चीन मां निकितियूं आहिनि, जेके उत्तर हिंदुस्तान ऐं बंग्लादेश पई वञे, ॿी उतां विच मुस्लिम रियासतुनि मां पई वञे, का तुर्कीअ मां यूरोप लां पई वञे, कुझु हितां पई अचे, हीअ दुनिया बदिलजे पियो आया, हुनखे रोके सघंदो या पंहिंजी कैपेसिटी वठंदो, का गुंजाइश वठंदो, का हुन लाइ तयारी बि कंदो? ईअं जीअं अॻे असां अमेरिका सां विढ़ंदे 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 न तयारी कईसीं न पुॼी सघियासीं, ईअं ई असीं ईअं त कोन थो हिन दौर में करे बीह रहूं। हीअ दौर बदिलजी वियो आहे, तंहिंजे बदिल दौर ला असांखे बदिलियल हीअ दावत थो ॾियां, असां सोच वीचार करणु घुरिजे, असांखे अक़ीदे में न असीं झंडा खणी बीह रहूं, हिकिड़ी कंहिं पैसा बसि असां बसि जीअं अमरीका ख़िलाफ़ु बीठासीं, हाणे हिन ख़िलाफ़ु वरी झंडा खणी बीह रहूं, सोचूं असांखे असां पंहिंजी कैपेसिटी असां पंहिंजी छा चवंदा आहिनि पंहिंजा छा चवंदा आहिनि त उनमें पंहिंजो हिसो पती लाइ सोच वीचार करण आया, उनमें असांजो बचाव आहे या नुक़सानु आहे, उन मुताबिक़ असांखे फ़ैसिलो करणु घुरिजे। असां सम्झूं था नई दुनिया बदिलजे पई, उन नई दुनिया में पंहिंजो पाण वजूद खे ॻोल्हियो, तव्हांखे सिंध खे वधीक फ़ाइदो पियो थिए, सिंध खे वधीक मौक़ो मिलियो, जेको 1947 में असां मार खाधी, अॼु उहा सिंध न आहे, अॅु सिंध में हिन वक़्तु सिंध में 50 लख खां वठी 1 करोड़ ताईं माण्हू 91 इमीग्रेट तयारु आहे, उहो एंग्रो वञण लाइ तयारु आहे, हैदराबाद वञण लाइ तयारु आहे, कराची वञण लाइ तयारु आहे, जिथे किथे पंहिंजे रोज़गार वञण लाइ तयारु आहे, 50 लख माण्हू तयारु आहे, हिकु वक़्त जो हुकुमरान उन्हनि खे होॾां वठी वञे। आहियूं असीं तयारु उन्हनि माण्हुनि खे तयारु कयूं, असीं आहियूं उन माण्हुनि जी रहनुमाई कयूं, जेके माण्हू हैदराबाद वञण लाइ कल्ह किथे हुआ, 90 खां अॻे हैदराबाद हुआ तव्हां, हैदराबाद में जॾहिं असीं तव्हां सभिनि दोस्तनि जी महिरबानी, सुबुह तमामु वॾो माण्हू हो, हुनजो वॾो रोल हो, असां सभु हुन जा ख़ुशनसीब आहियूं, जो हुन सिंध में न सभु ॼाओ पर पंहिंजो रोल अदा कयईं, पर सिंध सां मुहबत कंदे हिते ई पंहिंजा ॾींहं गुज़ारे, सिंधू दरिया में, सिंधू दरिया तमामु वॾी ॻाल्हि आहे, उन पंहिंजो पाण खे के में लोड़े पंहिंजो हॾियूं हुन वेही वञी सुरखरू थियो सिंध। महिरबानी, कामरे खे सलाम। महिरबानी डॉक्टर दोदो मेरी साहबु, ऐं ई आज़ाद जीअं हूअ पंछी वाह में, पर तूं मूंखे दाद मोर न ॾींदे जीअरे। हिन खां पोइ आउं तकरीर लाइ गुज़ारिश कंदसि कालम निगार लेखक अदीब मोहतरम इसाक मंगरियो साहब खे, उहे अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। मोहतरम इसाक मंगरियो साहब, हिकिड़ी राति हुनजे घर रहण जो मूंखे मौक़ो मिलियो, त हू पंहिंजा जेके थांव जंहिंमें मानी खाईंदो हू पंहिंजे वरी पाण धोईंदो हो वञी, चई त आऊं जेल में, इहे मुंहिंजी तरबियत आहे, ऐं आऊं घर बि मुंहिंजूं नुहरूं मुंहिंजूं धीअरूं मुंहिंजूं ॿिया सभु रुकींदा आहिनि, पर आऊं पंहिंजा ई थांव हींअर बि उहो आऊं पाण वञी धोईंदो आहियां। ऐं ॿी ॻाल्हि त आऊं मूं ई पाण यूसुफ साहिब खे चयो त आऊं ॿ अखर ॻाल्हाईंदुसि, उन जो सबबु ई आहे त विच में हिकिड़ो फैशन थी वियो असां वटि घणा पढ़िया लिखिया माण्हू, यानी सुबुह 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 छा आहे सुबुह। आऊं इहा ॻाल्हि इन करे चवां थो त जिन माण्हुनि खे सुबुह 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 था चवनि छा आहे सुबुह, मुख़्तसिर ॻाल्हि नंढड़ी आई आहे हशू केवल रामाणी जी, हुन छा क़ुर्बानी ॾिनी, ऐं सभु दंग आहिनि त सोभे एतिरी क़ुर्बानी ॾिनी, सोभो फेस करे वियो, होशू हशू न करे सघियो, फेसू वीचारो वियो हुयो, त हीअ हिकु सादी ॻाल्हि नाहे, हीअ जेको हू हुते वेही रहियो जीअं आहे इहा सादी ॻाल्हि नाहे हिन मुल्क में, छो त लीको हीअं निकितल आहे, हदूं मुक़र करे ॾिनल आहिनि, उन हदुनि में जेको रही हेतिरो कमु करे उहो हिते रहंदो, सियासत करे, हुकूमतूं संभाले, जीअं वज़ीर थिए छा बि करे, उहो हद खां हिन पासे आहे, उन लाइ का गुंजाइश न आहे। ऐं सोभो पंहिंजे उन उसूल ते बीठो, आख़िरी दंग ते बीठो। ऐं कल्ह ई अयाज़ मेले में
मिलो ढी सुी बैत पे पढ़े मु दाद दिनों अल्ताफ जतोई के त मुखे कें दोस्त बुधायो तो ही मौलवी नजीर जो पुट फौरन उन पेरन ते किरी पियस आई मुखे खुशी थी तो उनके इन का भी हिरत कान थी तो आऊँ मौलवी नजीर का वाकिफ आया माना उनके पैं पीते तो हो तो केतरी ताकत रखंदड़ हो तो गाल है तो जिन मान हाँ तारी अखबार वा बस लिखण वा बस छपण वा बस अस मर्जी आ जैसे लिखूँ जैसे छपियूँ बस तेरे बया मू ही को मुल्क में उनकी का तारीख ही कान्ने हाँ इो जदे तारीख ही लिखण जो तय थी तो कहो नालो लिखणो आ अखबार में भी तय थी कहो नालो छपरणो उन्हें में सोभो बीठो आ उन ढी शेख अयाज मेले में पली साहब गाल कई अयाज के हवाले से अयाज जै जमाने में ये शायरी कई पे अयूब की मार्शला में अस ही सब गाल तय क्यों तो ये लिखू 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 छपियो अखबारू छपी नहीं न उन में जहाँ उन गाल हवालो दिनो हो त अगर छिके बधजी मुख्य पली साहब को वो सोभे ज्ञानचंदाणी के मौलवी निजामाणी साहब हो जो एडिटर हो अखबार जो तू सोभो आई अगर छिके बधजी अगे अगर छिके बधजा त ये माना इन हालत के माना या जो संधो निकल आ उनके चैलेंज करो सोभो हो आखिर तीन वो हो उन गाल बी त इलेक्शन की गाल निकती इतने त इलेक्शन में आऊँ सोभे साहब वियस तो असो तो लिखी दियो एजेंट वारो त उन जो भा वेठो ते वो मुसलसल उनके चयो पे वो जाम सादिक अली के चो न तो ताँ मदद करे तो उन बुधायो तो आऊँ जाम से मिली आयो आ पर ही मीडिया जो जमानो आऊँ वजीर आला है उन मुझी जान सु जरूर आए पर यो जो फोटू छपजी वो तो खत अंदाजो है तो कदो खराब थो भाई इन उन महर के चवरा तो महर जै ये इलाके जा हिंदू मानू वोट कन तो ही थी वो सुबराल ये पैंजा वी आयस एजेंट नामा असाज गोठ में माना छो तो आऊँ पीर पागार मुरीद आया तो हथ बंद थो असो वो तो अस आऊँ हसन अस्करी मुख्य पैं गोठवार मार दिनी वोट छो पा करा सुबह ज्ञानचंदणी के पर अस फखुर अस ये मारू खाधियों हाँ वो कामयाब न थो वो तो संधो निकल हो तो उनके खटराणू ना है। ना है तो बस वो थी सो बहरहाल शाबस है उन मानुन के जेके वरी भी शाबस है तरक्की पसंद मुसनफिन के उन ही डी मल्हायो तारीख में छो तो लिखी जो लिखो पो है मानुन में ही जेके कूड़ी तारीख असी लिखू था उन भले न लिखिज तब गाल मानुन का सोभो विसरंदो कोन महरबानी तानी मेहरबानी इसाक मंगरियो साहब नाम्यारो लेखक जरा बेदार असान प्रोग्राम में शरीक थो है खेन भलीकार चूं था एक दावत है नाम्यारे सियासी समाजी अगवान लेखक ताज मरी के किताब पंद मुड़ोई पब जो जी मुहूर्त 29 दिसंबर मंझंद जो बी वगे हैदराबाद प्रेस क्लब में थी रही है अवां सभी दोस्तन के उन दावत है मजहब जी छेड़छाड़ वही बेसा कर मजहब जी छेड़छाड़ वही बेसा कर मूसा करी तज़मत इंसान की गाल कर मूसा करी तज़मत इंसान की गाल कर इन आऊँ तकरी लाइ गुजारिश कंदस लेखक दानिश्वर सिंध की सियासत नजर रखंदड़ मोहतरम मोहम्मद अली पठान जिनके तो अचन ख्याल जोहार कन मोहतरम मोहम्मद अली पठान कामरेड सोभो ज्ञानचंदाणी जैके नंढे खंड जो वो दानिश्वर भी अखबार लिखो अस पढ़ासी नंढपण का कामरेड सोभे से अकीदत रही शेख अयाज जो किताब जैसे पढ़ियोसी जे काकुरा कापड़ी वो सोभे के मनसूब कल हो किताब बंद सेठ आयो अयाज जो नसर जो आला किताब है शाहकार है असि सिंधी अदब जो उन किताब जी अरपना सोभे ज्ञानचंदाणी के बेत जो भिटाई जो अयाद चूंडियो त आशिक जहर पिया कवेव डिसी वेसन घणो कड़े कातल जा हमेशा हेराक तोड़े चिकन चाक तब आह नसलन आम के यो हूबहू सोभे ते ठहकंदड़ बेत हो
ऐं शेख अयाज़ सोभे सां जेल में ॾींहं गुज़ारिया। हिननि जी रफ़ाकत जेका थी या पाण में दोस्ती जेका पकी थी उहा जेल दौरान थी। जेको अयाज़ पंहिंजे जेल जे ख़तनि में उनजो ज़िक्र कयो आहे ऐं वॾे पैमाने ते कयो अथई। उन मां अयाज़ इहो बि ॿुधायो आहे त सोभो संदसि ॼण त उस्ताद जो दर्जो रखंदो हो ऐं सोभे उनखे जेके किताब पढ़ाया या जेके सोभे उनखे सलाहूं ॾिनियूं किताबनि पढ़ण जूं, उन्हनि अयाज़ जी शख़्सियत ठाहिण में वॾो किरदारु अदा कयो। हीअ 65 जी ॻाल्हि आहे जॾहिं अयाज़ सां गॾु सोभो जेल में हो ऐं उन्हनि घरनि खे अयाज़ विसारे न सघियो। अयाज़ में खोड़ ॻाल्हियूं हुयूं, अयाज़ में के मनफ़ी ॻाल्हियूं बि हुयूं, पर शेख अयाज़ वॾो सचु बि पंहिंजे तहरीरुनि में लिखी वियो आहे। ऐं हीअ ॻाल्हि जेका सोभे जे हवाले सां आख़िर ताईं हुनजी अक़ीदत रही, हुन हिक खां वधीक दफ़ा पंहिंजा किताब सोभे खे अर्पिया। हाणे जेको एॾो वॾो असांजे सिंधी अदब जो 20 सदीअ जो जंहिंखे भिटाईअ खां पोइ असां सिंध जो वॾो शाइरु चऊं, उनजो हफ़्तो वॾी अक़ीदत सां मल्हाइजे ऐं उनजो उस्ताद सोभो ज्ञानचंदाणी उनखे सिंध में यादि न कयो वञे, अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे। उन ॾींहुं सोभे साहिब जी 8 तारीख़ वरसी हुई। अंजुमन तरक़ी पसंद मुसनफ़िन अॻियां दफ़े अॻियां साल उहा वरसी मल्हाई, पहिरीं वरसी लाड़काणे ब्रांच अंजुमन तरक़ी पसंद मुसनफ़िन जी अधी कल्पना हुई। उहा असल में वरसी थियणी आर्ट काउंसिल में, पर आर्ट काउंसिल जो तॾहिं वारो जेको असांजो कमिश्नर साहबु, असांजो वॾो अदीब अकबर लिगारी साहबु, उन इजाज़त त ॾिनी, उन खां मां इजाज़त वरिती फ़ोन ते, साईं सोभे साहब जो ॾींहुं आहे ऐं उहो ॾींहुं मल्हाइणु खपे आर्ट काउंसिल खे, जॾहिं अव्हां अयाज़ जा 3 ॾींहं मल्हायो था त सोभे जो हक़ु आहे साईं। त हुन हा कई ऐं उनखां पोइ निर्मल खे सोभे जे पुट खे फ़ोन करे चयईं त बैनर तव्हां पंहिंजो पाण खणी अचो, पेनाफ्लेक्स पाण खणी अचो। जंहिं ते पोइ हुन रिएक्ट कयो त पेनाफ्लेक्स था हेॾो प्रोग्राम जेकॾहिं थिए थो ऐं 500 अव्हांजे खीसे में न आहिनि जो सोभे जो प्रोग्राम लाइ हिकिड़ो पेनाफ्लेक्स ठही सघे त असां न कंदासीं। उते न कयोसीं, असां पाण में चंदो करे होटल में प्रोग्राम कयोसीं, शानदारु थियो। ॿियो साल मोटी आयो, असांजो कमिश्नर हाणे सेक्रेटरी आहे, हुन खां विसरी वियो सोभो। शेख अयाज़ जो हिते मेलो थियो, 8 तारीख़ हुन खां विसरी वई। 8 तारीख़ ते अख़बारुनि लिखिया, अख़बारुनि में कालम छपिया, सोभे खे यादि कयो वियो, ईअं कोन्हे त यादि न कयो वियो, पर को प्रोग्राम न थियो। उन ॾींहं ते अवामी आवाज़ टीवीअ प्रोग्राम कयो, मूंखे फ़ोन कयूं, तव्हां ॻाल्हायो, मां उते हिकिड़ी ॻाल्हि कई। मुंहिंजो सिंधी अदबी संगत जेका 1944 में गोबंद मालीअ सां गॾिजी सोभे ज्ञानचंदाणीअ उनजो बुनियादु विधो ऐं सोभो ज्ञानचंदाणी तरक़ी पसंद कहाणीअ जो बानी लेखक आहे। साईं मुंहिंजा ग़ुलाम नबी मुग़ल साहबु वेठो आहे, असां चवंदा आहियूं जमाल अबड़ो बानी लेखक आहे सिंधी कहाणीअ जो, पर सोभे ज्ञानचंदाणीअ 1949 में 2.5 रुपया नाले सां कहाणी लिखी, जेका पंहिंजे व्याजखोर मामे जे ख़िलाफ़ु लिखी आई, जेका संसार समाचार अख़बार में शाया थी। तंहिं ज़माने में सोभो इनकलाबी हो, 21 में 20 में ॼाओ आहे, 49 में कहाणी छपी आहे सिंधीअ में। 3 कहाणियूं हुनजूं अंग्रेज़ीअ में शाया थियूं, जेका हिकिड़ी अनवर पीरज़ादे तर्जुमो कई भाजोकर जे नाले सां, जेका तारिक अशरफ साहबु सोणी रिसाले में शाया कई। त मूंखां अवामी आवाज़ टीवीअ वारनि जॾहिं पुछियो दादा सोभे जो प्रोग्राम नथो मल्हाइजे, त मां फौरी तौर ते चयो त असांजो जेको सिंधी अदबी संगत सिंध जो सेक्रेटरी जनरल आहे उहो अणपढ़ियल आहे, उनखे ख़बर न आहे त 1944 में सोभे ज्ञानचंदाणीअ सिंधी अदबी संगत ठहिराई। उहो अणपढ़ियल आहे, हुनखे ख़बर न आहे त सोभे जो इल्मु केॾो वॾो आहे। हुनखे इहा बि ख़बर न आहे त सोभो शेख अयाज़ जो बि उस्तादु हो। हुनखे इहा बि ख़बर न आहे त इब्राहिम जोयो साहबु जेको असांजी सदीअ जो वॾो माण्हू आहे उहो सोभे खे पंहिंजो मोहसन चवंदो हो। मां हिते गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजे भाउ यूसुफ सिंधीअ खे त घटि में घटि इन टोले खां त थोरो अलॻि थी बीहे, पाण खे अलॻि करे।
जेके सोभे जा साथी ना हैं ऐं तरक्की पसंद अदीबन जी जमायत जा अगवान हैं उन्हनि खां त पासीरा थी बीहो न साईं उन्हनि खां मां बि पासीरो आहियां अवां बि थियो शोभो साहब हुन जी शख़्सियत में केतिरा ई गुण हुआ मूंखे इहो शर्फ़ मिलियो जो मां सोभे खां हुन जूं लिखणियूं हुन जूं तहरीरूं उहे महफ़ूज़ करायूं ॾींहुं हुजे या राति अधि कल्पना वेठी आहे कहिड़ी बि महिल कामेड़ सोभो कंहिं महिल पाण फ़ोन करे अदा अचु फलाणो मौज़ू मुंहिंजे मथे में फिरे थो अचे लिखु मां वेंदुसि कामेड़ वेहंदो ततो पियो हूंदो बसि उहो कालम लिखाईंदो तेसि ताईं चांहि जो बि न पुछंदो कुझु बि न कालम लिखाए या मज़मून लिखाए या कहाणी मूंखे ईअं फ़ख़ुरु आहे त कामरेड खां चारि कहाणियूं बि मां लिखायूं ऐं इहा संसार समाचार में जेका छाया थियल कहाणी गुम थियल उहा वरी मूं नए सिर अढाई रुपया जे नाले सां लिखाए काविश में छाया कराई कामरेड सोभे जूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कजनि हिकिड़े ॾींहुं कोर्ट खां मोटियो पघर में शल हुजे मूंखे अवामी आवाज़ जो कालम तारीख़ ॻाल्हाए थी मोकिलिणो हुजे तारीख़ भरिजी आई मां जीअं अचे वेठो त मां हुन बैग मां पना कढिया मुंहिंजे साईं चओ यार ॻाल्हि ॿुध तूं मूंखे छा सम्झो आहे गर्मीअ में अची मां हाणे अचे वेठो आहियां तूं मूंखे पोइ अहिड़ा लफ़्ज़ ॻाल्हाईं जेके मां चई नथो सघां अहिड़ा लफ़्ज़ ॻाल्हाईं अंदरि वियो वरी मुंहुं धोई मोटी आयो अचे मूंखे भाकुरु पातई भाकुरु पातई त अखियुनि में पाणी भरिजी आयुसि मूंखे चई पुटु मां तोखे हल्ट कयो मुंहिंजो न साईं की हाणे लिख लिखाई कालम ईअं इलेक्शन जा ॾींहं हुजनि कामेड़ सोभो कंहिं महिल हेॾे कंहिं महिल होॾे साईं कालम जेको आहे ख़मीस ते तव्हांजो कालम छाया थियणो आहे महिरबानी करे उन में जेको आहे उहो नागो न विझो उहो कालम अदा मूंखे वञिणो आहे फलाणे पासे मुंहिंजो साईं चवंदा वञो त मां लिखां या चङो मां कपिड़ा सहे ॾियां थो तूं लिखंदो वञु मां चवंदो थो वञे हे साईं पंहिंजा कपिड़ा सहेड़ थो बैग ठाहे थो मूंखे चवंदो थो वञे कालम पूरो न थियो बैग ठही वई चए हाणे पी आई ऑफिस ताईं भला गॾियो हल त गॾियो हलियो कामेड़ सोभे खे बैग पंहिंजे हथ में आहे मूंखे पना हथ में दगदा चरनि वांगुरु लिखंदो थो वञा हलंदा था वञूं साईं मेहरान होटल जे साम्हूं पी आई ऑफिस कालम पूरो न थियो वञी वेठासीं हुते कामेड़ चवंदो थो वञे मुसाफ़िर ॾिसनि था त लिखनि था वेठा अलाए छा था लिखनि ईअं वरी गाॾीअ ते लॻी चयूं बाबा हलो फ्लाइट आहे फलाणे टाइम ते तकिड़ा मूंखे चई गाॾीअ में वेह हिननि खे तुंहिंजो मां किरायो ॾियां थो उतां मुणे त मोटी अचे ठीकु आहे साईं वेठा आहियूं गाॾीअ में लिखंदो थो हलां चना पुल ते पहुतासीं चई कालम पूरो मां चयो आहे गाॾी बिहार तकिड़ो मूंखे वञी मोकिलिणो आहे कालम मोटीअ ते मूं फेयर करे उहो मोकिले छॾियो ईअं उहो तारीख़ जा विसरियल वरक तारीख़ ॻाल्हाए थी वॾी वथ हुआम ऐं ॿियूं खोड़ सारियूं लिखणियूं कामरेड जूं मां लिखायूं जेकी किताबी सूरतुनि में बाद में छाया थियूं ऐं हिकिड़ो किताबु कहाणियुनि जो यूसुफ सिंधी साहिबु कॾहिं ॿार ईंदो उन छाया कयो उन खां पोइ ॿिया किताब नाज़ सनाई साहिबु छाया कया उनखे मां ॾिना सहेड़े ॾिना तारीख़ जा विसारियल वरक तारीख़ ॻाल्हाए थी ॿ किताब टियों किताबु हुनजो जेको शख़्सियतुनि जे बारे में हो वॾी वथ हुआम जंहिंजो मुआग शेख अयाज़ लिखियो ऐं अयाज़ लिखियो त ही जॾहिं मां ख़ाका पढ़िया त ही ख़ाकनि खां वधीक मूंखे कहाणियूं लॻियूं ऐं मूंखे महसूसु थियो त ही एॾो सख़्तगीर बाल शेवक ही एॾो नरम मिज़ाज कीअं आहे पंहिंजे कहाणियुनि में लॻे थो त टालिस्टाए लिखियूं आहिनि सोभे न लिखियूं आहिनि सोभे साहब जो हिकिड़े कालम में हुन हिकिड़ो जुमिलो लिखारायो त बंदूक जे नालीअ मां इनकलाब त अची सघे थो पर को बि खुशहाल घर नथो ठही सघे हाणे हे हिकिड़े बाल शेवक जा लफ़्ज़ आहिनि तव्हां ॾिसो त हू पंहिंजे अंदरि में केॾो इंसान दोस्त केॾो सूफ़ी ऐं केॾो वॾी सोच वारो वॾी नज़र वारो माण्हू हो बंदूक जे नालीअ मां इनकलाब त अची सघे थो पर खुशहाल घर नथो ठही सघे सिंध छॾण लाइ वस कयूं हुनखे हर तरह जूं अज़ियतूं हुनखे मिलियूं
जेल मिलिया शाही किला मिलिया पर सोभो पोए ते न हटियो चई सिंध न छॾींदुसि न छॾियईं पछाड़ीअ ताईं संदसि वसियत मूजिबि उन में असां गॾिजी करे उन जी रख परवाह कईसीं सोभे साहिब जूं हॾड़ियूं इंतज़ारु थियूं कनि असां सभु हेॾा तरक़ी पसंदि हेॾा रोशन ख़्याल सभु हिक ॿिए ते वेठा था ॾिसूं अदी कल्पना को ऐलान करे सुभाणे बुख हड़ताल ते वेह त सभई वेहूं साईं मुगल साहिबु वेहंदो सभई वेहंदासीं सोभे जी समाधि त हक़ु आहे सिंध में समाधि त ठहे जेकॾहिं तव्हां सोभे जी समाधि नथा ठाहियो जेकॾहिं सोभे खे ओन नथा कयो त कंहिंखे ओन कंदव हिन महिल बुनियाद परस्ती तव्हांखे चौधारी वकोड़े वई आहे इहो ज़रदारी साहिबु बेनज़ीर साहिब वारी शहादत खां पोइ असांजो अदीबनि जो वफ़द गॾिजी सोभे जी अॻवाणीअ में असां ताज़ियत करण विया हुआसीं ज़रदारी साहिब सां नईंदड़े हाउस में उते सोभे साहिब ज़रदारी साहिब खे चयो हो चौधारी तुंहिंजा दुश्मन अथई पाण संभाले हलजांइ चौधारी दुश्मन अथई उन ज़रदारी साहिब खां त सोभो न विसरे उन बिलावल खां त सोभो न विसरे घटि में घटि नंढड़ी हिकिड़ी डिमांड आहे सोभे जी समाधि सोभे जो हिकिड़ो यादगार जिते हुनजो को प्रोग्राम करे सघिजे छा इहो बि हक़ु न आहे सोभे जो इहो हक़ु न आहे तव्हां कंहिंसां गॾु आहियो मां सवाल थो कयां सोभे सां न आहियो त कंहिंसां आहियो अॼु वायुमंडल वरी बि सोभे जे लाइ तयारु थियो आहे न अॼु दुनिया वरी बि सोभे ॾे मोटी आहे न बुनियाद परस्ती रद थी चुकी आहे हिन मुल्क खे हिन मुल्क जूं पारूं बुनियाद परस्तीअ खोखलियूं कयूं रोशन ख़्यालीअ जी लहर हली आहे त उनजो अॻवान सोभो आहे तव्हां सभु सोभे जो हथु मज़बूत कयो पंहिंजा हथ मज़बूत कयो पंहिंजूं सिफ़ूं मज़बूत कयो त यकीननि हीउ मुल्क वधीक सोनो थींदो यकीननि असांजो मुस्तक़बिल वधीक रोशन थींदो महिरबानी महिरबानी मोहम्मद अली पठाण साहब मंझंदि ताईं विकिजी विया बाज़ारि जा हर कूड़ मंझंदि ताईं विकिजी विया बाज़ारि जा हर कूड़ मां हिकु सच खणी राति ताईं रुलंदो रहियसि हिन खां पोइ आऊं तकरीर लाइ गुज़ारिश कंदुसि खाबी धुर ऐं तरक़ी पसंद फ़िक्र सां लाॻापियल कामरेड इमदाद चांडियो खे तूं अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि कामरेड इमदाद चांडियो रची जे रेटो थिया की न उॿाट न उॿाट जन हू खुंभ न खारे तंहिंखे जो हालारे जो हो तोणे धोबी थोए त बि लालाई न लहे सोभो ज्ञा चंदाणी नरगो सिंध जो पर पूरे बरे सगीर जो नंढे खंड जो हिकिड़ो मार्क्सिस्ट इनकलाबी रहनुमा आहे उहो सिर्फ़ु हिकिड़ो लेखक कोन्हे उहो बुनियादी तौर ते हिकिड़ो इनकलाबी हिकिड़ो रेवोल्यूशनरी आहे जंहिं हिंदुस्तान ऐं नंढे खंड जी जेका तहरीक आज़ादी ऐं उनखां पोइ जेको इनकलाबी तहरीक आहे उन में भरपूर हिसो वरितो ऐं इनकलाबी जेका तहरीक जा बुनियाद रखंदड़ आहिनि माण्हू हिन नंढे खंड में उन्हनि में सोभे ज्ञान चंदाणी जो शुमारु आहे इन जे करे इहा हिकिड़ी अजब ॻाल्हि आहे मूंखे हिकिड़ी हैरत थी थिए त सोभे ज्ञान चंदाणी यूसुफ़ सिंधी खे शाबस हुजे मां संत शुक्रगुज़ार बि आहियां त असांखे हिते कोठ ॾिनई पर मां इन ॻाल्हि ते इज़हार करणु बि मां पंहिंजो फ़र्ज़ु थो सम्झां त सोभे ज्ञान चंदाणी खे हिकिड़ी कसम पुरसी जी हालति में वरसी मल्हाइण या यादि मल्हाइण बि हिकिड़ी अफ़सोसनाक ॻाल्हि आहे इहा हुनजी तौहीन आहे इहा हुनजे सॼे पोरे ते हिकिड़ो मां सम्झां थो नाइंसाफ़ी आहे जेकॾहिं असांखे को कमु करिणो आहे त सही तरीक़े सां कयूं बाक़ी अहिड़े तरीक़े सां न कयूं जंहिं तां असां ख़ल्क खिलायूं पाण तां सोभो ज्ञान चंदाणी कॾहिं बि कंहिं वरसी मल्हाइण न हुकूमत सिंध जो मोहताज थो मां सम्झां न तव्हांजे अदबी संगतुनि जो मां हुनखे मोहताज थो सम्झां इहो पठाण साहिबु हुजे आहे त मां हुन सां इहा ॻाल्हि कयां वियो हलियो ऐं अदी कल्पना खे ॿुधायां
त सोभे ज्ञानचंदाणी जा असुल वारस जेके आहिनि उहे सिंध जा तरक्की पसंद कौम परस्त इनकलाबी माण्हू आहिनि, उहे उनखे सही तरह सुञाणे सघनि था। उहो ई उनजो मैसेज जॾहिं, छो त हू उन्हनि उन्हनि माण्हुनि जो आहे जेके माण्हू ठीकु आहे लेखकनि जे लाइ, लेखकनि जो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे, वॾो रोल आहे ऐं उनजी हिकिड़ी अहमियत आहे, पर सियासी ऐं इनकलाबी जदोजहद या इनकलाबी न हुजे, हिकिड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल जेका आहे उहा जेका आहे उहो उन खे पंहिंजी जाइ ते, हालांकि उहा जेके तहरीकूं आहिनि सियासी तहरीकूं उन्हनि में अदब जो शाइरीअ जो वॾो किरदारु आहे, शाइरनि जो वॾो रोल आहे, अदीबनि जो वॾो किरदारु आहे। रशियन रेवोल्यूशन खां वेंदे फ्रेंच रेवोल्यूशन ताईं जेके बि दुनिया में वॾा इनकलाब आया आहिनि, हिंदुस्तान जी आज़ादी तहरीक हुजे या वियतनाम जी आज़ादी तहरीक हुजे या दुनिया में जेके बि महकूम क़ौमुनि जूं तहरीकूं रहियूं आहिनि, उन्हनि में उन्हनि जे पुठियां हिकिड़ो फिक्री ऐं हिकिड़ो लिटररी रेवोल्यूशन जेको आहे बिल्कुलु रहियो आहे हमेशह। छो त तव्हां फ्रांस जे इनकलाब जो तसवुरु ई नथा करे सघो जेकॾहिं वॉल्टियर खे, रूसो खे, या इहे जेके जेके वेस्टर्न फिलोसफर्स आहिनि, मार्क्सिज़्म खां सवाइ या कार्ल मार्क्स खां सवाइ तव्हां रेवोल्यूशन हिंद जेको रशिया में आयो या जेको चाइना में रेवोल्यूशन आयो इन जो तसवुरु नथा करे सघो। तंहिंजे करे मुफ़क्किरनि जी, लेखकनि जी ऐं अदीबनि जी इंतिहाई वॾी अहमियत आहे ऐं मां सम्झां थो उहा अहमियत जेका आहे महसूसु कंदे सोभे ज्ञानचंदाणी खे बि असांजूं जेके अदब सां वास्तो रखंदड़ तनज़ीमूं आहिनि उन्हनि खे संजीदगी सां उनजे ॾींहुं मल्हाइण लाइ सोचणु घुरिजे, छो त इहो उन्हनि जो फ़र्ज़ु आहे ऐं एज़ अ राइटर बि हू उनजो मुस्तहिक़ आहे। पर मां सम्झां थो त सोभो ज्ञानचंदाणी पार्टीशन जी जेका फिलोसफी आहे, पार्टीशन ऐं पाक इहे जेको मुल्क तक़सीम थिया, विरहाङो थियो, उन सॼी फिलोसफी जो हिकिड़ो विक्टिम आहे। सोभो ज्ञानचंदाणी को हिंदू धर्म जो माण्हू रुॻो कोन्हे ऐं जॾहिं हिंदू करे तव्हां उनखे ॾिसो था त उनखे तमामु महदूद करे था छॾियो। जेकॾहिं तव्हां जी एम सैद खे रुॻो मुस्लमान करे ॾिसंदो, हैदराबाद जतोई खे सिर्फ़ु असां मुस्लिम फ्रेम में ॾिसंदासीं त मां सम्झां थो जाम साकी खे या शेख अयाज़ खे त असां केॾी वॾी उन्हनि सां ज़्यादती कंदासीं। तंहिंजे करे सोभो ज्ञानचंदाणी जेकॾहिं हिंदू जे घर में पैदा थी सघे थो, पर हू मुंहिंजी नज़र में हिंदू न आहे, हू उन खां मथां आहे, हू मज़हब ऐं अक़ीदे खां मथां हो शख़्स आहे। ऐं हुन पंहिंजे किरदार सां इहो साबित कयो त हू अक़ीदनि जे बुनियाद ते ठाहियल जेको रियासती निज़ाम आहे उन खे नथो मञे। हुन तारीख़ी तौर ते पंहिंजे मादरे वतन जो जेको तसवुरु आहे उन मुताबिक़ हुन हिन सरज़मीन खे क़बूलु कयो ऐं हितां छॾण खां इनकार कयईं। तंहिंजे करे हींअर जेको अॼु जो जेको ज़मानो आहे, जेको दौरु आहे, ऐं जेतिरे क़दुरु मां पर्सनली जॾहिं पहिरियों दफ़ो मां सोभे ज्ञानचंदाणी सां मिलियुसि त हक़ीक़त इहा आहे मुग़ल साहिबु त मूं ॾिठो त हीउ माण्हू कहिड़े क़िस्म जो मार्क्सिस्ट आहे। हू मूंखे हिकिड़ो निरालो मार्क्सिस्ट नज़र आयो। असां बि कम्युनिस्ट पार्टी सां गॾु मूं सियासत कई आहे ऐं उन में हिकिड़ो सरगर्म किरदारु रहियो आहे, पर पहिरियों दफ़ो जॾहिं मूं हुनखे ॾिठो त मूंखे जीअं हिकिड़ो बहार जो नओं झूटो ईंदो आहे न, ईअं मूं महसूसु कयो सोभे ज्ञानचंदाणी जे वजूद खे, उनजे ॻाल्हियुनि खे। छो त हू पंहिंजे ॻाल्हियुनि में जेको आहे सो इनकलाबी त हुयो, पर उन सां गॾु मूंखे ह्यूमनिस्ट लॻो, वधीक इंसान दोस्त लॻो, माणपे सां ऐं हिकिड़ो सूफ़ी मंश बि लॻो। हिकिड़ी अजीब कॉम्बिनेशन हुई हुनजी शख़्सियत में त हुन वटि सिर्फ़ु हिकिड़ी मैकेनिकली को मार्क्सिज़्म जो नज़रियो न हो, जीअं असां घणो करे लकीर जे फ़क़ीर जा मार्क्सिस्ट घणा रहिया आहियूं ऐं तख़लीक़ी अंदाज़ जी मार्क्सिज़्म जेका आहे उन ते असां घटि सोचियो आहे। जे हिकिड़ी असांजी मजमू तरह जेके लेफ्ट जी मूवमेंट आहे उन्हनि जो हिकिड़ो इहो हिकिड़ो क्राइसिस आहे, माना इहो हिकिड़ो सबबु आहे, उन जो मुकमिल सबबु उनजे नाकामी जो इहो न आहे। ॿियो जेको माना सोभे ज्ञानचंदाणी वटि पंहिंजी मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी सां गॾो गॾु हुन वटि सिंध जो हिकिड़ो चिटो तसवुरु हुयो, सिंध जे क़ौमी स्ट्रगल जो, नेशनलिज़म, ऐं हू अहिड़े क़िस्म जो मार्क्सिस्ट हुयो जेको मज़लूम क़ौमुनि जी क़ौम परस्ती खे अहमियत ॾींदो हो ऐं हू इहा ॻाल्हि कंदो हो त नेशनलिस्ट ऐं जेके लेफ्ट आहिनि उन्हनि खे गॾिजी कमु करणु खपे।
इन ॻाल्हि जो वॾो हू जेको आहे सो हिमायती हुयो। ऐं साॻे वक़्तु वरी तव्हां ॾिसो त वरी शेख अयाज़ थो चवे त सोभो सिंध जो लाल कलंदर आहे ऐं हुनजे मिटीअ ते मेला लॻंदा। हीअ अयाज़ लिखियो आहे हुनजे लाइ त हू हुनखे मतिलबु कहिड़े दर्जे हू ॾिसे थो हुन हुन में सोभे जे अंदरि हुनखे उहा मणिया नज़र आई हुन हुनजे फ़िक्र जे अंदरि एतिरी जिला ऐं एॾी माना एनर्जी या ताक़त तवानाई नज़र आई जो हुन इहा ॻाल्हि कई शेख अयाज़। ऐं मां सम्झां थो त हीउ जेको जुदागाना चूंडुनि जो निज़ाम हो जंहिंमें सोभे ज्ञानचंदाणी हिसो वरितो मूंखे ख़बर आहे ऐं मां ॼाणा थो जेतिरे क़दुरु त को बि कम्युनिस्ट पार्टी जो डिसीशन न थियो त को सोभो साहिबु हिसो वठे। इहो हुनजो शख़्सी फ़ैसिलो हो ऐं सुठो कई हिसो वरितईं। हुन सां हिकिड़ी ॻाल्हि वाज़े थी वई त हिकिड़ो डिक्लेयर्ड हिकिड़ो कैंडिडेट हिकिड़ो सोभे ज्ञानचंदाणी खे मतिलबु कामयाबु करार ॾिनो वियो हो, पर सिर्फ़ु नोटिफिकेशन इशू जेको आहे सो अॼु ॾींहं ताईं कोन थियो ऐं राणा चंदर सिंह जेको आहे उहो खटे वियो। पहिरियां सभु रेडियो ते टेलीविज़न ते इहो अची वियो त सोभे ज्ञानचंदाणी जेको आहे इलेक्शन खटी आहे। साईं सो कामरेड इंतज़ार में हो त हाणे नोटिफाई थिए त मां वञा असेंबली में, सो नोटिफिकेशन कढियो ई कोन छो त हुननि खे लॻो शायदि त हिकिड़ो पोड़ो कम्युनिस्ट जेको आहे शायदि ही को पाकिस्तानी रियासत या इन नज़रियाती निज़ाम खे को ड्राहे विझंदो असेंबली में। हालांकि अहिड़ी का ॻाल्हि आहे हिकिड़े माण्हू जे मेंबर थियण सां कुझु कोन थो थिए, पर पोइ बि मां सम्झां थो इहो हिकिड़ो फ़ैसिले तहत हुनखे उन खां चूंडुनि खां आउट कयो वियो। ऐं इहा पाकिस्तानी जेका डेमोक्रेसी आहे या जमहूरियत आहे उन जे फ्रेजिलिटी खे ज़ाहिर थी करे त पाकिस्तानी जमहूरियत जेका बज़ाहिर जंहिंखे असां सुठो सम्झूं था, घटि में घटि मां जमहूरी तरीक़नि आइनी तरीक़नि जी जे जिदोजहद जे हिमायत में आहियां, पर पाकिस्तान में जेको डेमोक्रेसी जो जेको निज़ाम आहे उन खे कंट्रोल करण वारियूं जेके गैर रियासती ताक़तूं आहिनि उहे एतिरियूं त सघारियूं आहिनि जो उहे तय कंदियूं आहिनि त मुल्क में हुकुमरानी कंहिंजे हथनि में अचे। ऐं इहो हिकिड़ो अलमियो आहे, तव्हां ॾिसो त पाकिस्तान खे जॾहिं मुजीब रहमान खे पाकिस्तान जे अवाम जी अक्सरियत, ठीकु आहे उहे बंगाली हुया जंहिंजी अक्सरियत हुई, हींअर बि पंजाबियुनि जी अक्सरियत हुई पाकिस्तान में असां रहूं पिया, जॾहिं बंगालियुनि जी अक्सरियत डिसीज़न कयो मुजीब रहमान खे पंहिंजो वज़ीर आज़म बनाइण जो, त उन वक़्तु तव्हां ॾिसो त पाकिस्तान मां जिंद कंहिं छॾाई पाकिस्तान मां बंगाल जी हिकिड़ी अक्सरियत खे अकेले त कढी छॾियो। दुनिया में थींदो आहे त अक्सरियत थोराई वारनि खे कढंदी आहे, पर हिते वरी जेके घणाई वारा उन्हनि खे थोराई वारनि चयो त तव्हां निकिरी वञो, तव्हां पाकिस्तानी कोन आहियो, असां पाकिस्तानी आहियूं जेके माइनॉरिटी में आहियूं। हिकिड़ो अजीब ट्रेजिडी जेका आहे ऐं उनजो सबबु सिधी सही ॻाल्हि आहे त मुल्क जो जेको रिलायंस आहे मिलिट्री पावर ते ऐं मिलिट्री जे इंस्टीट्यूशन ते उहो हिकिड़ो बुनियादी चैलेंज आहे जेको अॼु बि दरपेश आहे हिन मुल्क खे, त पाकिस्तान खे कहिड़ी रियासत हुजणु खपे। जेकॾहिं पाकिस्तान उहा रियासत थिए थो जेका महज़ अक़ीदनि जे बुनियाद ते हले थी त उहा हिकिड़ी फैसिस्ट रियासत ॾांहुं वेंदी, उहा कॾहिं बि जमहूरी ऐं लिबरल रियासत थियण ॾांहुं न वेंदी। ऐं जेको सोभे ज्ञानचंदाणी जहिड़नि माण्हुनि जी जेके क़ुर्बानीूं आहिनि या जेका जदोजहद आहे हिते, त पाकिस्तान खे हिकिड़ी वेलफेयर स्टेट हुजणु खपे, हिकिड़ी फेडरल रियल हिकिड़ी हक़ीक़ी वफ़ाक़ी जमहूरी हिकिड़ी रियासत हुजणु खपे। उहो ख़्वाबु तॾहिं ई ताबीर थी सघे थो जॾहिं जमहूरी निज़ाम जे लाइ जेको आहे उनखे आज़ादी सां कमु करणु ॾिनो वञे। जेसि ताईं उनखे फ्रीली हिकिड़ी डेमोक्रेटिक सिस्टम खे हलणु न ॾिनो वेंदो, सिविलियन रूल खे हलणु न ॾिनो वेंदो ऐं उनजे अॻियां रुकावटूं थींदियूं, त पाकिस्तान वरी उन पासे वेंदो हलियो जंहिं पासे बोहरान हूंदा आहिनि। उहे बोहरान कहिड़े बि क़िस्म जा थी सघनि था जेके हिन मुल्क खे लपेट में आणे सघनि था। तंहिंजे करे अॼु सोभे ज्ञानचंदाणीअ खे यादि कंदे असांते फ़र्ज़ु थिए थो, असांजो फ़र्ज़ु आहे। ऐं मां त चवां थो हिते मां ॾिसां थो जेके मुंहिंजे साम्हूं दोस्त वेठा आहिनि त घटि में घटि इहो वरसी का किशकोल कोन्हे या ख़ैरात कान्हे, असां लानत कयूं पाण ते जेकॾहिं असां हुकूमत खे चऊं त तव्हां हीउ कमु करे ॾियो ऐं तनज़ीमुनि खे वेठा चऊं। इहो असांजे लाइ असांजे लाइ आहे, इहो असांजी ड्यूटी आहे ऐं असां
मुख्य उम्मीद आ तो जे दोस्त इतने वेठा ए बशमूल यूसुफ सिंधी जे जै ही जो भी कम किया तक शाबस हो घट में घट उन याद किया पा उन असा कर्ज आ तो अस उन याद क्यों पर शायान शान तरीके से याद क्यों जी महसूस थे तो वाकई जो सूबे ज्ञानचंदाणी जो ढी है सो सभी तुम शुक्रगुजार आया आखिर में वरी भी यो ही चवंदुस तो सोभो ज्ञानचंदाणी एकड़ो अड़ो अमर ए लाजवाल किरदार आ जो उन कें भी सरकारी सरपरस्ती की जरूरत कान है। मेहरबानी कामरेड इमदाद चांडियो साहब, आओ हाथ उठाएं हम मिलकर, आओ हाथ उठाएं हम मिलकर, हम वो के जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम वो के जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। इसके बाद अब मैं गुजारिश करूंगा अंजमन तरक्की पसंद मुसनफीन के मरकजी सेक्रेटरी मोहतरम राहत सईद साहब को कि वह आएं अपने ख्यालात का इजहार करें। राहत सईद साहब। जिए सिंध, जिए सोभ का रास्ता। खुशी की बात है कि हम सोभो को याद कर रहे हैं, दुख की बात यह है कि हम इतने कम हैं। क्या करना चाहिए था हमें कि हम बहुत से लोगों को जो नहीं आ सके उन्हें ले आते? क्या हम में कमी है? इसका तो हम खुद जायजा लेना चाहिए हमें। लेकिन ये किस माशरे के ऊपर भी एक तंज है, इस माशरे के लिए जिसमें और सिंध के लिए जिसमें जिसके लिए सोभो ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, आज सोभो को याद करने के लिए इतने कम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये इस माशरे के ऊपर भी तंज है। और हम अब उसी माशरे का हिस्सा होते हुए हम समझते हैं कि हमारे ऊपर जो तंज आया है उसको हम कोशिश करें कि हम सोभो का रास्ता जो है उसे लोगों तक पहुंचाएं कि सोभो का रास्ता ये है। एक उर्दू के बहुत बड़े शायर हिंदुस्तान में थे, फराग गोरखपुरी, उन्हीं का एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी ऐ लोगो, तुमने फराग से बातें की हैं, तुमने फराग को देखा है। ये तो फराग की बात थी लेकिन हम वाकई फख्र करेंगे इस बात के ऊपर कि हमने सोभो को देखा भी, सोभो से बातें भी की। और अगर हम ये कहें कि हम सोभो के सिंध में जिंदा हैं तो ये कोई मतलब अजीब बात नहीं होगी कि हम वाकई सोभो के अहद में और सोभो के सिंध में जिंदा हैं। वो सिंध जिसके लिए सोभो ने तमाम मुश्किलात, तमाम दुश्वारियां, तमाम सजाएं जो भी मिली वो उसने सही और खुश दिली के साथ सही, किसी दुख का इसके ऊपर इजहार नहीं किया कि उसको इस सिंध की मोहब्बत में दुख मिला है, तकलीफ हुई है। वो इसको बड़ी खुश दिली के साथ, बड़े फख्र के साथ उसने इसको इस कठिन रास्ते के ऊपर चले और अपना उन्होंने अपने जद्दोजहद जो है जारी रखी, और वो जद्दोजहद जो नज़रियाती जद्दोजहद थी वो भी जारी रखी, और सिंध की मोहब्बत की, सिंध की धरती से मोहब्बत की जद्दोजहद जो है वो भी जारी रखी। इमदाद साहब ने जैसे कहा कि तरक्की पसंद कौम परस्तों के लिए जो रास्ता छोड़ गए हैं सोभो ज्ञानचंदाणी, वही हम सबका रास्ता होना चाहिए अगर हम वाकई सोभो को याद करना चाहते हैं या सोभो को याद रखना चाहते हैं या लोगों को, आने वाली नस्लों को सोभो के बारे में बताना चाहते हैं। तो हमारे लिए नागुजीर है और लाजमी है कि हम ये भी बताएं कि सोभो ने किस तरह से सिंध से मोहब्बत की थी। सिंधी कौम सिर्फ आज सिंधी बोलने वालों के ऊपर मौकूफ नहीं है, सिंध में बहुत सी जुबानें बोलने वाले, मसलन मेरे उर्दू बोलने वाले, जैसे मेरी मादरी जुबान है, मैं भी सिंधी हूँ और मैं इसके ऊपर फख्र करता हूँ। सोभो के जो ख्वाब थे उस ख्वाब तो जाहिर पूरे नहीं हुए, सिंध आज़ाद नहीं हुआ, सिंधी कौम आज़ाद नहीं हुई, लेकिन वो ख्वाब जो है वो ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया। वो ख्वाब हमारा भी ख्वाब है और सिर्फ ख्वाब के हद तक उसे नहीं रहना चाहिए, हमारी कोशिशें होनी चाहिए उसे ताबीर तक पहुँचाने की।
उसकी ताबीर हासिल करने की और उस ख्वाब को जो है एक रियलिटी में, एक हकीकत में तब्दील करने की हमारी कोशिशें होनी चाहिए। जो कोशिश सोबो अपनी आखिरी सांस तक करते रहे, अपने लिखने के जरिए, अपने तकरीर के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए, वो ये सब मिलने के जरिए, बातों के जरिए ये काम करते रहे। मैंने जब से नजरियाती होश संभाला, होश तो संभालने में मतलब जाहिर है, लेकिन नजरियाती होश जब से संभाला तो मेरी हसरतों में से एक हसरत ये थी कि मैं सोबो से मुलाकात करूं, सोबो से मिलूं। क्योंकि सोबो का नाम उस वक्त जो भी तमाम उन तरक्की पसंद हलकों में सिंध की नुमाइंदा शख्सियत के तौर पर आता था, जैसे मैं आज कहूँगा कि सिंध को के याद करने के लिए या सिंध का तारुफ के लिए कोई मुराद अली शाह को नहीं याद करेगा, कोई जो है वो शाह साहब को नहीं याद करेगा, कोई जो है मेरा ख्याल जरदारी को भी नहीं याद करेगा। जो लोग याद करेंगे तो वो उन्हें जिन्होंने कुर्बानी दी है, वो भुट्टो को याद करेंगे, वो बेनज़ीर को याद करेंगे, वो सोबो को याद करेंगे। और इस हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात की बहुत कोशिश की कि ये उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वाले सिंधियों में जो खलीज है वो किसी तरह से दूर हो। होते देखते देखते ये खलीज और ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारी कोशिश और हमारी ख्वाहिश यही है कि हम जो है इस खलीज को पाटें। जब तक हम इस खलीज को नहीं पाटेंगे नहीं, उस वक्त तक मैं नहीं समझता हूँ कि हम सिंध की आज़ादी या सिंधी कौम की आज़ादी के लिए कोई कामयाब जद्दोजहद चला सकते हैं। अब उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता यही है कि हमने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के ज़रिए से ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में बोलने वाली तमाम ज़बानों को कौमी ज़बानों का दर्जा दिया जाए, सिंधी को कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। सिर्फ उर्दू को कौमी ज़बान का कहना जो है ये दूसरी कौमों के साथ भी ज़्यादती है और ख़ुद उर्दू के साथ भी ज़्यादती है। उर्दू भी कौमी ज़ुबान है, लेकिन इसका वो है मशरफ़ है एक राबते की ज़ुबान का, जबकि सिंध की कौमी ज़ुबान है सिंधी और हमें इसके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि ये हमारी ज़ुबान है। चाहे मैं ना बोल पाता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि हमने जब सिंधी ज़ुबान का बिल मंजूर हुआ तो कराची में हम वही वो लोग थे कि जिन्होंने वहाँ पे वॉल चाकिंग भी की, जिन्होंने खड़े होकर उस तमाम लोगों का मुकाबला किया कि जो इस बात के ऊपर बहुत खिलाफ थे कि सिंधी को जो है सिंध की एक सरकारी ज़ुबान बनवाई जाए। हम आज भी इसके हक में हैं और आज भी इसी को हम करते हैं। और हमने और यूसुफ सिंधी ने मिल के एक अर्जदाश्त भी असम्बली के सामने पेश की थी कि सिंध के बड़ी ज़ुबानों को, उसमें सिंधी ज़ुबान है, उसको कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए। काफ़ी हद तक हम इस बात को ले गए, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन नहीं कामयाब हुए इसका मतलब ये नहीं कि हम कामयाब नहीं हो सकते, सिर्फ ये है कि हमें वो रास्ता तलाश करना चाहिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ कर सकें इसके ऊपर, और दूसरी कौम के लोगों को भी मोबिलाइज़ करें कि वो भी अपनी ज़ुबान के साथ उसी मोहब्बत का सबूत दें जिस मोहब्बत का हम अपने साथ अपनी ज़ुबान के साथ देते हैं। जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक पंजाबी जो है पंजाबी को सरकारी ज़ुबान बनाने, वो कौमी ज़ुबान बनाने की बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं कामयाब नहीं होंगे। हम कोशिश करें कि हम उनको भी ये समझाएं कि तुम्हारी माँ बोली भी तुम्हारी माँ की तरह से है और उस तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसके लिए काम करो। सराई के लोगों को फ़र्ज़ बनता है कि वो सराई की को एक कौमी ज़ुबान के तौर पर बनवाएँ, पश्तों के लोगों को फ़र्ज़ बनता है कि वो पश्तों को बनाएँ, ताकि हमारा सिंधी का कौमी ज़ुबान बनाने का केस जो है ये मजबूत। दूसरी बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं यहां से इस प्लेटफॉर्म से और दूसरे प्लेटफॉर्म से, वो ये कि जब आप उर्दू यूनिवर्सिटी यहां पे पाकिस्तान में बन सकती है फेडरल लेवल के ऊपर, तो हम सिंध में सिंधी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सकते हैं? सिंध यूनिवर्सिटी, मगर सिंधी यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूं, सिंधी यूनिवर्सिटी जिसका फर्ज ही ये हो कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश इस बात की करे, रिसर्च इसकी करे, ट्रांसलेशन इसके करे कि किस तरह से बुनियादी तालीम से लेके बुनियादी क्लासों से लेके आला सतह तक तालीम जो है वो सिंधी ज़ुबान में हो। अगर हम इस मुतालबे के लिए जद्दोजहद करेंगे, अगर हम इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदी यूनिवर्सिटी है,
पहले भी एक थी हिंदी यूनिवर्सिटी, लेकिन वो हिंदू यूनिवर्सिटी थी बनारस में। अब वहाँ पर एक हिंदी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तमाम तालीम हिंदी ज़ुबान में देने की जद्दोजहद की जा रही है और कामयाब जद्दोजहद की जा रही है। तो हम यहाँ पर सिंधी यूनिवर्सिटी की बात करें ताकि हमारे तमाम तालीम आला सतह तक तालीम जो है वो रफ्ता रफ्ता हम उस तक पहुँचें। अभी तो हम जो हैं मतलब अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में भेज देते हैं, सो कॉल्ड अंग्रेज़ी स्कूल, जहाँ अंग्रेज़ी भी नहीं सिखाई जा सकती लेकिन वहाँ सिंधी भुलाई ज़रूर जाती है। हम लोग इस बात के लिए क्यों नहीं वो करते आमादा होते कि हम खुद अपने बच्चों को अपनी मादरी ज़ुबान के तालीम के हवाले से, सिर्फ बोलचाल के हवाले से नहीं बल्कि तालीम के ज़रिए से उन्हें भेजें। दूसरी शिकायत मुझे उन सिंधी के उस्तादों से है जो कराची में, सखर में और कहाँ कहाँ सिंधी पढ़ाने के लिए रखे गए, क्योंकि सिंधी जो है वो इब्तदाई दर्जों के अंदर वो मैट्रिक तक लाजमी है, लेकिन ये लोग जो हैं बिल्कुल कोई कमिटमेंट नहीं है इनका पढ़ाने के लिए। ये सब जो हैं सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए वहाँ पे करते हैं और बच्चों को सिर्फ पास करवा देते हैं इसके ऊपर, बगैर सिंधी जाने हुए, बगैर सिंधी उनको आए हुए उन्हें पास करा देते हैं। ये मेरा ख्याल है ये कौम से गद्दारी है, ये अपनी माँ बोली से गद्दारी है। ये इसका जो है हमें खुद इन लोगों से सवाल करना चाहिए और इन लोगों के जो हमारे उस्ताद हैं, जो जिन्होंने मुलाजमत इसके लिए ली है, जिन्होंने जॉब इसके लिए ली है कि वो गैर सिंधी बोलने वाले बच्चों को सिंधी पढ़ाएंगे, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके जहनों को जगाएं, उनके ज़मीरों को जगाएं कि आप जो हैं जिम्मेदारी लें, फ़र्ज अदा करें, क्यों करें। और मुझे ये इत्तला है बाकायदा उनके औलाद की तरफ से, बेटे की तरफ से और खुद सिंध के कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो पहले डायरेक्टर जनरल थे, कि उन्होंने एक इस सिलसिले में समरी बना के जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास पहुंची भेज दी थी। लेकिन उस जमाने में भी सुना था कि चीफ मिनिस्टर के यहाँ जो भी बारी चली जाती है वो जाने का रास्ता तो है, वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। चुनाचे वो भी ज़मीन जो छोटी सी ज़मीन हमने मांगी थी कि लड़काना में वो करें, और लड़काना में क्यों करना चाहिए, इसलिए कि साईं सोभन ने अपनी ज़िंदगी लड़काना में गुजारी है। उन्हें जो है लड़का मतलब मौजदारों का कलंदर तो कहा ही, उन्हें जो है ये भी है कि वो लड़काने के जोगी भी थे, कलंदर भी थे, और वो इस मुल्क के लिए जो है वो एक यादगार हमारे होनी चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि हम जो हैं अपने मोहसिनों को नहीं भूलते हैं। तो मेरी अपनी दरख्वास्त यही है कि एक मिशन के तौर पे इसे लेना चाहिए और इसको मोबिलाइज करना चाहिए। का शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे वक्त। मेहरबानी राज सईद साहब। मां भी मानू तू भी मानू, मां भी मानू तू भी मानू, मिट्टी पेंजी सागी आहे, मुवट तोले मान वडो आ, मजहब का इंसान वडो आ, मजहब का इंसान वडो आ। याने आखिर में आऊं तकरीर लाए गुजारिश कंदस, नावल निगार कहानीकार मोहतरम गुलाम नबी मुगल साहब जिन के तो वचन है पेंजी ख्याल जो जार कन, मोहतरम गुलाम नबी मुगल। सूबे साहब सा मुझो घणो ताल्लुक रहो, शुरू में तो कोन रहो, छकण त हु लाड़काने जो माण्हू हो, मूं लाड़काने ॾिठो कोन हो, ऐं हैदराबाद जो हुउसि। सो ही ईंदो हो त वॾनि माण्हुनि वटि रहंदो हो या कामरेडनि वटि ईंदो, असीं घटि नंढा कामरेड, कामरेड छा नंढा हुआसीं। सो पर जेॾी महिल मुंहिंजी सर्विस में आऊं बदली थी 75 में लाड़काणे वियुसि, त पोइ 75 खां वठी 81 ताईं मतिलबु 5-6 साल जेके ई आहिनि, पोइ मुंहिंजी सां लाॻीतो मुलाक़ात थींदियूं रहंदियूं हर हफ़्ते या 15 ॾींहं, जिन महिल मूंखे टाइम मिलंदो त आउं वेंदोसि। ऐं पोइ इहे सॼियूं कचहरियूं मूंसां वेही कंदो हो, ॻाल्हियूं कंदो हो, ऐं मूंखे ॾाढो अफ़सोसु थींदो हो त हिकिड़ो हेॾो वॾो माण्हू हिकिड़े वॾे हेॾे हिन खां थोरो नंढो हाल हुजे, उन में अकेलो कहिड़ी खट ते वेठो आहे, चौधारी किताब लॻा पिया आहिनि, ऐं केॾी महिल के माण्हू अचनि उहे मिलनि अचनि सां, दोस्त अची मिलनि, ऐं उहो ईअं अकेलो वेठो आहे। ऐं दिलि में सोचींदोसि त शायदि ई अकेलो ई
रही आस्ते आस्ते ख़त्म थींदो ऐं थियो बि ईअं ई अकेलो ई रहियो ऐं कुझु खेसि ज़िंदगी में तकलीफ़ूं बि आहियूं ख़ासि करे हिन जे पुट जूं उहो थोरो हालांकि डॉक्टर हो उहो एडिक्ट थी पियो उन जे करे हिन खे तमामु घणो ॾुखो ऐं उन खां ॾाढो प्यार बि होसि न सघियां गॾु सो त बहरहाल सोधो अहिड़ो माण्हू आहे जंहिं लाइ तव्हां त चओ था त हुनजी नंढड़ी का समाधि या का हुनजी इहो का ॻाल्हि कजे ऐं सम्झां थो त असांजा हे जेके पूरे सिंध में या अॻियां हेॾा पीर फ़क़ीर वेठा आहिनि जिन जूं तमामु वॾियूं वॾियूं आहिनि मुक़बरा आहिनि ऐं उहे ताईं हली ॾिसो मकली ते ऐं सम्झां थो जेको मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे त मकली ते आम तरह चवंदा आहियूं त 125,000 पीर उते आउं सम्झां थो त 125,000 पीरनि जा नाला मूंखे घणे ॿुधा आहिनि त भई ही 125,000 आहिनि त आउं सम्झां थो वाक़ई हिते 125,000 आहिनि इन करे मुंहिंजे दिमाग़ में ॻाल्हि इहा ई आहे त इन्हनि में के 10-15,000 के पढ़ियल ॻढ़ियल माण्हू आहिनि ॿिया सभु उहे सिंधी आहिनि जिन खे अरहोननि तरखाननि ऐं मुग़लनि मारियो जो तक़रीबन सभु उहे आहिनि जिन जा नाला ई कोन्हनि के ईअं ख़ाली पथर रखिया आहिनि ऐं अहिड़ियूं क़बरूं वरी सोंडा में बि आहिनि ॿियनि ॿियनि हंधनि ते जिते जिते बि लड़ायूं थियूं आहिनि हिते इहे थियूं आहिनि त इहे जेके उते असां अहिड़ा पट वेल बालारे वेठा आहियूं जेकॾहिं सोढे जहिड़े माण्हू खे लाइ का ज़मीन गवर्मेंट ॾिए या असां पाण हिकिड़ी तनज़ीम ठाहे इहे असांजी जेकी तरक़ी पसंदि तनज़ीम आहे या सिंधियत बि संगती तनज़ीम आहे असां गॾिजी जेको बि रखंदा चंदो सभिनि जो जेको बि दोस्तनि जो आहे उहो आउं सम्झां थो त को बि अहिड़ो माण्हू कोन्हे को जेको न ॾिए घटि में घटि हिकिड़ो निशान जेको आहे उहो हुजे ऐं इन जा ख़ाली कहाणियूं जेकी आहिनि इहे छपाइणु त सुठी ॻाल्हि आहे पर इन खां वधीक जेको हुन ॻाल्हायो वई आहे जेको हुन सभु कुझु इहो संस जेको नज़रिया हुआ चम्स जेके इंसानियत लाइ ॻाल्हियूं हुयूं उहे सभु इहे सभु शयूं जेके आहिनि से छपाए उन्हनि खे बि महफ़ूज़ कजे छाकाणि जो असां वटि जेके माण्हू महफ़ूज़ थिया उहे या त शाइर हुआ या सैद हुआ या हाणे जेको आहे सम्झो त जिन माण्हुनि जे औलाद वटि पैसो आहे उहो पंहिंजे पीउ जो ॾाॾे जो जा कारनामा छपाए उहे पधरो कयो उहे रखियो वेठा आहिनि एक्चुअली ही माण्हू जेके आहिनि से वॾा माण्हू आहिनि ऐं मूंखे ख़बर आहे जे मतिलबु आउं हुन सां गॾु वेही ॻाल्हाईंदोसि त मूंखे कोन लॻंदो त कोई हिंदू आहे मूंखे इन जे घर जे माहौल मां ई महसूसु कोन थींदो त आउं कंहिं हिंदू जे घर में वेठो आहियां हालांकि उन उते मुंहिंजा इलाही हिंदू फैमिली सां तालुक़ु आहे ऐं उते आउं हुन खां पुछंदो पियोसि त तव्हां जेको आहे हिते कीअं रहिया पिया आहियो त मूंखे चयोसीं असां बंदोबस्तु करे छॾियो आहे अधु फैमिली असांजी बॉम्बे आहे उते धंधो करे पई अधु असीं हिते पिया कारोबार करियूं जेॾी महिल बि मौक़ो मिलियो असीं वेंदासीं हलिया ऐं वाक़ई ॾिसजो पाण वेठा आहियूं इहो ईअं दोस्तनि वांगुरु ॻाल्हायूं पिया त हीउ जेको तरीक़ो आहे हिते असांजे जो वरी बि असांजा अदीब थोरा घणा दाऊं कनि था ई कनि था ही सभु आहिस्ते आहिस्ते वेंदो छाकाणि हिननि खे सभिनि खां वॾे में वॾो पॉलिटिकल ऐं सोशल धक आहे हिननि खे सोशल एक्टिविटीज़ ही पंहिंजी हिंदू करे कोन सघनि था जेकॾहिं कनि था त असांजा जेके मुसलमान भाउर आहिनि जिन खे ही हिननि ॼट जो लक़ब ॾिनो उहे ई हिननि खे रस्ते ते तंग कनि था उहे ई हिननि खे असां तादियूं कनि था उन खां पोइ जेको वरी ॿिया असांजा जेके पॉलिटिकल माण्हू आहिनि
उहे बि हिननि खे इस्तेमालु कनि था, सम्झो। इन करे हाणे ही होशियार थी विया आहिनि, ही हाणे जेके ही होशियार आहिनि उहे वरी असां मुस्लमाननि खे पिया इस्तेमालु कनि ऐं जाम पैसा कमाइनि पिया, लखें कमाइनि पिया, पाण बि कमाइनि पिया ऐं असांजे पॉलिटिकल माण्हुनि खे बि कमाए ॾियनि पिया, सम्झो। त इहा हिकिड़ी नेगेटिव शइ थिए पई। सो ऐं एक्चुअली मां ॾिठो, मां इलाही ॾींहंनि खां पोइ कल्पना कए थो, त कल्पना जंहिं महिल शुरू में आई तॾहिं बि मां हुनखे ॾिठो त ऐं हुते मिलियो सांस ते। उन खां पोइ जेको हुननि सां जेको जेके बि ॻाल्हियूं थियूं से सभु इहे चारि पंज सालनि में मां सभु ॾिठियूं थी वियूं। पर सोभो तमामु वॾो माण्हू हो ऐं कम्युनिस्ट खे बि छॾियो, सोशलिस्ट खे बि छॾियो, पर हीउ तमामु वॾो इंसानु हो। हुनखे हुनजे इंसानियत में असांखे को शक कोन्हे को, ऐं हुन कॾहिं बि असांखे घटि कंहिंखे कोन सम्झो ऐं ॻाल्हाईंदो बि हो। त हिन ॻाल्हाइण मां तुम सम्झो त मेठा हिकिड़ो हूंदो हो ऐं हिकु इल्म जो दरिया हिकिड़ो हूंदो हो, उहो वेंदो हो ऐं मां ॾिसंदोसि त मूंखे ईअं लॻंदो हो ॼणो को हिकिड़ी इनसाइक्लोपीडिया खुली पई आहे, ऐं को बि लफ़्ज़ को बि वाक्यो को बि ॻाल्हि त हिन जी जेकी स्टडी रही आहे उहा तमामु घणी रही आहे, सम्झो। सो हाणे बहरहाल वक़्तु बि काफ़ी थी वियो आहे ऐं हिते इहो ज़रूरु कजे त कीअं पैसा गॾु कजनि ऐं हुकूमत सां जेकॾहिं ॻाल्हाइणो आहे त हिन वक़्तु ॿ माण्हू जेके जंहिंजी वाघ सॼी आहे उहे हींअर इंचार्ज आहिनि, मिनिस्टर साहिबु बि आहे, सेक्रेटरी साहिबु बि आहे, आहे सॼो उन्हनि जे हथ में। चीफ मिनिस्टर सिर्फ़ु जेको उतां हेठि लिखिजी ईंदो उन ते सही कंदो बसि, वधीक न को। इहे ॿई साॼे वंद माण्हू आहिनि, इन्हनि सां वेही ॻाल्हाइजे ऐं इहो कमु कजे ऐं सोभे जी असां वटि हुजे त सोभो ही असांजो जेको दानिश्वर सिंध जो आहे हीउ हिते आहे। रहियो ॿोलीअ जो जेको सुवाल साईं कयो, अदा ॿोलीअ जे लाइ त हीउ अदारो सर इहे अदारा बनाई इसलिए था के डेवलपमेंट ऑफ सिंधी लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ सिंधी लैंग्वेज। डेवलपमेंट के लिए तो उन्होंने कुछ कर लिया है, बाकी करोड़ों रुपए, समझो करोड़ों रुपए खर्च हुए मगर एक स्कूल में भी सिंधी लड़का नहीं पढ़ सके। इवन कासमाबाद जो एक हार्ड प्लेस फॉर उर्दू स्पीकिंग पीपल, वहाँ पर भी उर्दू किसी स्कूल ने कबूल नहीं की। और अभी जो है वो भी कहते हैं कि सिंधी पोए, हाँ सिंधी वरी पोए आया, समझो। तो उसमें यहाँ तक के हम इसको देखने के बाद जब हमारे सिंधी ने देखा कि जो नौकरियां मिल रही हैं उनमें एक पर्चा उर्दू का लाजमी है तो हमारे लड़के फेल हो रहे हैं। ये मेरा बेटा बैठा बैठा है, ये PCS में फेल हुआ है इस उर्दू की वजह से, समझो। तो मतलब कहने का उसकी वजह से हम लोग यानी फिर सिंधियों ने भी कहा कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। गवर्नमेंट सिंध की है कहा कि होना ये चाहिए कि भाई आप फर्स्ट दर्जे से लेकर सिंधी होना चाहिए, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने शुरू में किया था। इन्होंने मतलब फोर्थ क्लास है या फिफ्थ क्लास है वहाँ से उन्होंने जो है सिंधी को स्टार्ट किया है फॉर उर्दू पीपल, जो और सिंधियों के लिए उर्दू वहाँ किया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये झगड़ा जो है ये एक चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी। और इसमें इस तरह से ये मुल्क जो है ये आस्ते आस्ते ये यानी आपको मैं क्या लफ्ज़ बताऊं कि
ख़त्म होता जाएगा। जिस तरह से कोई चीज़ें होती हैं उसमें दरवाज़ा होता है, उसमें कोई जीत लग जाता, जीत में पहरा मुझे उडो ही तो पाँच होता पर उर्दू जी गाल लोग जा दीमक या दीमक लग रही है, तो इस तरह आस्ते आस्ते दीमक लगकर ये बैठ जाएगा समझो। और ये बैठना नहीं चाहिए, ये जब तक हम लोग हैं, हम हमारी औलाद है, आप यकीन करें कि जो हमारी बाद जो नस्ल है उसको उर्दू बहुत मुश्किल नज़र आ रही है और उर्दू वालों को सिंधी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। क्यों? इसलिए कि 50s 60s उसके बाद 70 से लेकर इस तरफ पूरी तरह से पॉलिटिकली ध्यान नहीं दिया गया। जो अगर यह गाल शुरू का जी शुरू में 50s में ई हो तो भाई उर्दू वारा सिंधी सलीस पढ़न सिंधी सलीस जो है उर्दू पढ़न, अगर ये बात होती अगर होता तो आज तकरीबन सबको कुछ न कुछ सिंधी आती और सिंधियों को कुछ न कुछ उर्दू आती। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये यानी इस मुल्क के लिए ये पंजाबी जो आपने बात की मुझे समझ में बात नहीं आती है, वो घर में पंजाबी बोलते हैं, हर चीज़ में पंजाबी बोलते हैं, जब लिखना होता है पढ़ना होता है तो वो उर्दू में करते हैं, ये अभी की बात नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से जो ये लेकर ये हो रही हैं, उनको अपने ज़बान से कोई फर्क नहीं, हालांकि वहाँ पर भी एक तहरीक चल रही है जो, मगर उस तहरीक में इतनी कोई जान नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। सो बहरहाल हमें बात करनी है इसकी सोभो की। सोभो बहुत बड़ा आदमी था, खुदा करे हमें ऐसे और भी मिल जाएं और हम यहाँ पर कोई करारदाद पास करें, गवर्नमेंट से बात करें कि हम भी चंदा देंगे, पैसे देंगे, गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा इसमें करे और इसकी समाधि है या जो भी कहते हैं वो लाड़काने में हो, होना ही लाड़काने में चाहिए क्योंकि लाड़काना का उसका घर था तो वहाँ होना चाहिए। और जो भी आदमी जाएगा सिंधी या गैर सिंधी तो कम से कम उसको पता पड़ेगा कि ये एक दानिश्वर है जो यहाँ पर सोया हुआ है। मेहरबानी, थैंक यू। मेहरबानी मोहतरम मौलाना नबी मुगल साहब, तवां सभिनी जी इजाज़त सां इहा करारदाद पेश कंदासीं त कामरेड सोभे गणेश चंदाणी जो सबक सिंधी नसाब में शामिल कयो वञे, तव्हां सभिनी खे मंज़ूर आहे? सामिन, कामरेड सोभे ज्ञानचंदाणीअ खे भेटा पेश करण वारो ही प्रोग्राम जेको अंजुमन तरक़ी पसंदनि मुसनफ़ीन हैदराबाद जे तरफ़ां थियो हो, इहो पंहिंजी पुॼाणीअ खे पहुतो आहे। सामिन, ही शायदि सिंध में सोभे ज्ञानचंदाणीअ जे हवाले सां ही पहिरियों भेरो आहे जो इंतिज़ामिया जे तरफ़ां जेका राय रखी वई हुई करारदाद पास करण जे लाइ उनखे पिंडाल में वेठल माण्हुनि रद्द करे छॾियो आहे। उहा राय अव्हांजी समातुनि ते असां पहुचाईसीं त सरकार खां इहो ऐं सकाफ़त खाते खां ख़ासि करे मुतालबो कयो पियो त कामरेड सोभे ज्ञानचंदाणी जी समाजी जे लाइ का ज़मीन अलाट कई वञे ऐं हिते वेठल पिंडाल जे अक्सरियत जो इहो मौक़िफ़ु हो त सोभे ज्ञानचंदाणी पंहिंजी सॼी हयातीअ में हिन क़िस्म जो को बि मुतालबो न कयो हो, तंहिं करे इहो ज़रूरु कयो वञे त सरकार ते दॿाउ विधो वञे ऐं सरकार खां मुतालबो कयो वञे त करिकुलम में ऐं सिंधी सबक़नि में जेको निसाबी अमल आहे उन में कामरेड सोभे ज्ञानचंदाणीअ जो सबक़ ज़रूरु रखियो वञे। जाफ़र मेमण खे हैदराबाद मां इजाज़त ॾींदा ऐं ॿुधंदा रहंदा रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।